Assalamu alaikum everyone. Hi everyone in the world, mashallah. Today, as promised, Best International is trying to bring, the highly professional diamonds who are very much successful in their life, mashallah. और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, वो भी उन्हीं डायमंड्स में से एक बड़े यूनिक डायमंड है, मashallah. और फवाद हुसैन उनका नाम है. तो बिला तखीर, लेट्स वेलकम टू आवर गेस्ट, मashallah. एंड उनके बारे में मैं बस इतना बताता चलूं कि उनसे बेटर मैंने प्रोफेशनल अल्लाह की रहमत से जो उनकी मैंने यूनिक एबिलिटीज खुद भी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश की है, वो आई आई डिडंट सी इन एनीवन एल्स, माशाल्लाह. कि जितने वो हमदर्द इंसान है, इवन आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मेरी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, ही इज वन ऑफ द रीजन, माशाल्लाह, आफ्टर अल्लाह ब्लेसिंग. सो उनको मैंने सेमिनार्स में बोलते हुए देखे है, एग्जीबिशन में बोलते हुए देखे है, बिजनेस मीटिंग्स में देखा है, माशाल्लाह, कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हुए सुने हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आज हम सब काफी यूनिक चीजें उनसे सीखने जा रहे हैं, स्पेशली कि हमें एज ए प्रोफेशनल कितना एक्सेलेंस, कितनी हमारे अंदर एक्सेलेंस होनी चाहिए. तो वार्मली वेलकम टू आर गेस्ट, माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई. जी, वालेकुम सलाम इश्तियाक, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप फवाद भाई? माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर अल्लाह का योर शुक्र प्रीशियस है. टाइम. आपने 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 कुछ ज्यादा बोल दिया मेरे बारे में. नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें, जो मतलब लेट आवर ऑडियंस बी फेमिलियर कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग एंड यू नो हाउ योर जर्नी वाज स्टार्टेड, और मे बी इट विल गिव अ स्ट्रांग मोटिवेशन टू अ पाकिस्तानी कम्युनिटी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंट्रोडक्शन तो मेरा ख्याल है कोई नहीं है. मोहम्मद फवाद हुसैन मेरा नाम है, और बहुत सारे लोग तो मुझे जानते नहीं हैं. आप कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जिसमें इश्तियाक शायद टॉप ऑफ द लिस्ट है. प्रोफेशनली मैं आई एम कॉरपोरेट हेड फॉर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन इन अल-किफ़ाह ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि एक इट्स अ बिग नेम इन सऊदी अरेबिया. 6 साल हो गए इन लोगों के साथ काम करते हैं मुझे. और उससे पहले डाइवर्सिटी कंसल्टिंग में काम किया, उससे पहले लीवर ब्रदर्स में काम किया, एसजीएस में काम किया, एस कंसल्टिंग में काम किया. प्रोफेशनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया सीखने का चीज़ों को, और इतनी एबिलिटी दी कि उन चीज़ों से सीख सकें. मैं कहूँगा ये कि ये आप सीखना, बढ़ना, ग्रो करना, अच्छी पोजीशन पे जाना आपके हाथ में नहीं है. ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह ताला के हाथ में है, और वहीं से जो है ये सब लोगों को मोटिवेशन मिलती है. और वहीं से मैं ये समझता हूँ कि मैं इफ आई गो बैक एंड लुक इनटू माय लाइफ, तो ये सारी चीजें इट कीप ऑन हैपनिंग. बहुत सारे काम ऐसे मैंने किए जहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत कहा कि ये इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. तो मैं आई वॉज लाइक कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए. बट अल्टीमेटली हुआ ये कि अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया कि जो चीज लोग कहते थे कि ठीक नहीं है, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए चूज की थी, वो चीज जो थी दैट वाज द थिंग. एग्जांपल्स मैं शेयर करता जाऊंगा साथ साथ, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले मुझे ये बताना जरूरी है आप लोगों के लिए कि इन ब्लेसिंग्स में अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी वालदैन है. बेशक मेरे साथ, मैं शायद थोड़ा अनलकी रहा, मेरे साथ जो एफर्ट या दुआएं हैं वो मेरी वालदा की हैं, बिकॉज माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 7 ईयर्स ऑफ एज. सो आपकी डेवलपमेंट में, आपकी ब्रॉटअप में, आपके किसी भी जगह पे पहुंचने में, एक ब्लेसिंग के बाद जो अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग है, उसके बाद जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके वालदैन और उनकी दुआएं. और दुआएं कैसे मिलती हैं? मैं नहीं समझता कि मैं प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ा बंदा हूं जो आपको प्रोफेशनली एडवाइस दे सकूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. और दुआएं कैसे, आई विल गो बैक टू, के वो दुआएं आपको लेनी है, वो दुआएं कैसे मिलती हैं? वो दुआएं मिलती हैं कि आप अपने वालदेन के सामने खड़े ना हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी बातों को समझें. एक टाइम आएगा, मैं उस सिचुएशन से भी गुजर रहा हूं,
when you will realize the generation gap. आज मेरे बेटे जो हैं वो 20-21 साल के हैं, मेरी वालदा जो हैं वो 60+ हैं, मैं खुद 45 साल का हूँ. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर इज के आज मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ जगह पे लगता है कि मेरी वालदा कुछ बातें ऐसी कर रही हैं जो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं हर बात में उनको कहूँ कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनका जिंदगी का तजर्बा है. एक चीज जो मेरी बेशक वालदा मुझे बचपन से कहती आ रही है और मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ और मैं आप सब लोगों को कहूंगा, वो है नियत. मेरी वालदा कहती थी नियत साफ, पंजाबी में कहते हैं नियत साफ ते खीसा पुर. और मैंने शर्मा इसको अपने रियल लाइफ में आजमाया. हमेशा कोशिश ये करें कि आप किसी का बुरा ना चाहें, आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहें, क्योंकि अल्लाह ताला का जो चेक है वो आपकी नीयत पे है कि आप यहाँ पे कितने साफ हैं. तो दिस इज क्या वेरी बात इंपॉर्टेंट कि आपकी नीयत नीयत साफ होनी चाहिए, ना कि आप के कॉल ऑफ फेल में तजाद हो कि आप कहें कि मैं इश्तियाक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जाके बात कुछ और कर रहा हूं. आपके जो यहां पे हो वो आपकी जुबान पे हो, एंड दिस इज व्हाट विल रिवॉर्ड यू. सो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना बिलीव रखें अल्लाह ताला पे कि उसने जो भी आपके साथ हो रहा है या जो भी होगा या जो भी हो चुका है उसमें बेहतरी ही थी. मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं. मैं उम्र मेरी 45 है, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा शायद यानी आप लोगों को शायद यकीन नहीं आएगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 27 साल का एक्सपीरियंस है. मैं 18 साल का था जैसे मैंने जॉब करनी शुरू की थी. एक्सेलेंट टेकिंग यू बैक टू माय प्रोफेशनल जर्नी, लोग कहते हैं कि फवाद इज अ सेल्फ मेड पर्सन. मैं कहता हूँ ये गलत बात है, कोई भी बंदा सेल्फ मेड नहीं है. मेरा ख्याल है कि हर बंदा मेड बाय गॉड है. सो अगर आप ये कहें कि फवाद इज अल्लाह मेड पर्सन, आई वुड बी मोर हैप्पी देन रादर देन सेइंग कि जी सेल्फ मेड. कोई सेल्फ मेड नहीं होता, सब लोगों को अल्लाह ताला ने बनाना है, और सब लोग हैं जो कि ये बिलीव आपका होना चाहिए कि आप के साथ जो भी हो रहा है वो is happening for the best of it. प्रोफेशनल करियर की बात करूं तो मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था मेरा ख्याल है पहले एजुकेशन बता दूं आपको. मैंने प्रोफेशनल करियर से पहले मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीकॉम कर रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इन अ कंपनी. वी वर लाइक इनटू इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट. सो आई स्टार्टेड एज एन अकाउंट्स ऑफिसर. अकाउंट वाज नेवर बीन माय थिंग सिंस द बिगिनिंग, इवन दो आई एम बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएट, एंड इट्स नेवर बीन माय थिंग इवन टुडे. सो वहां से स्टार्ट किया, वहां से जब मैंने छोड़ा तो मैं कंसल्टेंट था. कंसल्टेंट से छोड़ा तो मैं दूसरी कंपनी में गया, वहां पे मुझे अकाउंट्स एंड एडमिन ऑफिसर की जॉब मिली. उसके बाद वहां पे मैंने 3 साल काम किया. ईगो ईगो बहुत ज्यादा थी मेरी, तो वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने उसको करना क्या है. वहां पे नौकरी सिर्फ ईगो की वजह से छोड़ दी थी, जो आज लगता है गलती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि दैट वाज नॉट द मिस्टेक. अल्लाह ताला ने आपसे ये सारे डिसीजन जो आप कर रहे होते हैं ना, ये आप नहीं कर रहे होते. अल्लाह ताला इट्स कहते हैं कि ऑल मैं पत्थर में छुपे प्रोविडेंस बंदे, रिस्क रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में. तो वो क्या, डू यू थिंक दैट ही विल कम एंड गिव यू द रिस्क? नो, ही विल मेक समवन अजरिया फॉर यू टू मेक श्योर दैट वो रिस्क आप तक पहुंचे. मिसालें बहुत हैं, मैं आपको देता चला जाऊंगा साथ साथ. सो वहां से मैंने अगेन एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी जॉब मिली. वो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं आधा कंसल्टेंट, आधा प्रेजेंटर, आधा पब्लिक स्पीकर हो गया हुआ था, सब कुछ आधा था. चलो अप्रोच, वहां से जॉब छोड़ के मैंने लीवर में काम किया. लीवर में मैंने सेल्स में काम किया, दुकानों पे जाके पत्तियां बेची, मशीनें बेची चाय की. उसके बाद मैंने अगला जो मेरा स्टेप था वो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम किया, जहां पे हमने एडवर्टाइजमेंट का काम किया. कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2003 में मैंने SGS को ज्वाइन किया, जो कि मैंने ज्वाइन कैसे किया, एज ए कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर का काम क्या था? कोऑर्डिनेटर का काम ये होता था, ईमेल्स भेज दो, लोगों की टैक्सियां गाड़ियां अरेंज करवा दो. एंड आई एम श्योर इश्तियाक रिमेंबर, जब मैं वहां पे कोऑर्डिनेटर था और मैं इश्तियाक को फोन करता था कि ये ऑडिटर सुबह आ रहे हैं,
जी मेरा मेरा ये काम था, ईमेल्स करना, प्रपोजल्स भेजना, और ऑडिट स्केड्यूल करना, और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना. दिस इज व्हाट एज अ कोऑर्डिनेटर आई बीन डूइंग. वसीम, आई विल एक्सप्लेन यू आई एम टॉकिंग अबाउट माई द बिगनिंग ऑफ द कैरियर. आई कम टू द चेंज ऑन अ लेटर स्टेज. सो वहां पे मैं कोऑर्डिनेटर था, और 2 साल मैंने काम करके आई रियलाइज कि प्रॉब्ली दिस इज नॉट अ जॉब जो कि लॉन्ग टर्म है. एंड फिर मैं वही कहूंगा, आई रियलाइज, नो, अल्लाह मेड मी रियलाइज प्रॉब्ली दैट्स नॉट द राइट प्लेस फॉर यू टू बी. उस वक्त मैंने स्टूडेंट वीजा के अप्लाई किया एंड आई गॉट अ चांस टू गो टू यूके. वहां जाके आप लोगों को शायद, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, वो समझते हैं कि बंदा यूके में चला गया ना तो दरख्तों से पैसे उतारेगा, या बिल्कुल बंदा सऊदी बिल्कुल अरब में ऐसे चला गया या दुबई में चला गया तो वहां पे दरख्त लगे हैं उनके पैसे उतारेगा. तो वो बात ही होती है कि वो जरूरी नहीं होता कि सारे पैसे पक्के हों, वो कुछ कच्चे भी होते हैं जो भी तोड़ने का नुकसान होता है. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली सो लोग समझ लोगे. अच्छा, इंग्लैंड में मैंने 1 साल रहा पे वहां पे, और वहां पे मैंने जो जॉब की, विच वॉज अ पार्ट टाइम जॉब, वो थी सेल्स, समझ लें सेल्स कोऑर्डिनेटर या सेल्स मर्चेंट, सेल्स सेल्स की जॉब थी. लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर ये नहीं है, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि व्हाट यू सपोज टू डिलीवर एंड हाउ मच यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क. मैं समझता हूँ कि आज आज मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे नहीं पता होता था कि ये रिस्क क्या होता है जिंदगी में और एफर्ट क्या होती है. जो जॉब थी मेरी, दैट वॉज अ वेरी डिमांडिंग जॉब. मैंने अपने कंधे पे पूरा पूरा कंटेनर टेक्सटाइल का और फर्नीचर का अनलोड किया हुआ है. ठीक है, मैंने अपने क्या हाथों से फर्नीचर पॉलिश किया और मैंने उसे पैक किया और मैं लोगों को डिलीवर किया है. मैंने अपने हाथों बात से पैलेट रेप किए हुए हैं. मुझे मुझे याद है जब मैं पहला पैलेट रैप कर रहा था, मुझे चक्कर आ गए थे क्योंकि उसको घूमना है, आपने घूमना है, घूमना है, घूमना है और उसको रैप करना है. उसके बाद आपने उसको लोड करना है कंटेनर पे और आपने डिलीवरी के लिए रेडी करना है. पॉइंट ये, जो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज के मेहनत में वो हर हर जो जॉब है वो उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, विच इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेवल. हमेशा एब्सोल्युटली याद राइट, रखें कि आज जो आप जॉब कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, आप इसको चाहे बहुत बुरा समझें, बट मैं आई एम टेलिंग यू दिस इज योर प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट लेवल. सो एब्सोल्युटली राइट। मैंने 1 साल वहां पे काम किया और अलहमदुलिल्लाह. फवाद भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक शेर याद आ गया जो बिल्कुल आप पे जी फिट जी बैठ रहा है माशाल्लाह, और आपको डेडिकेट करना चाह रहा हूँ और हमारे नाजरीन को भी आई होप के पसंद आएगा, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो बेसिकली आपका जो जर्नी है वो हमेशा माशाल्लाह, यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग ग्रोइंग एंड ग्रोइंग माशाल्लाह, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, एंड आई रियली बस अप्रिशिएट योर मैं ये समझता हूँ, मैं ये जर्नी। समझता हूँ. आई होप एंड आई विश के मेरी वालदा ये प्रोग्राम देख रही हूँ. मैं ये समझता हूँ कि आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मेरी वालदा का. उन्होंने मुझे हर उस मौके पे मेरे साथ खड़ी हुई जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी, हर उस मौके पे उन्होंने मेरी हेल्प की, दुआओं से या समझने स्पोर्ट से, जहां पे मुझे वो हेल्प चाहिए थी. सो वेरी गुड, वालदा या वाल मैं वालदा नहीं कहूंगा, मैं वालदैन कहूंगा. क्योंकि मैं क्यों वालदा क्यों कह रहा हूं कि मैंने आई आई डिड नॉट गेट दैट चांस टू सी माय फादर वेरी क्लोजली. सो मेरी जिंदगी मेरी वालदा के इर्द-गिर्द घूमती है. लेकिन आप सब वो लोग, जिन लोगों को अंदाजा है, जिनके अल्लाह ताला उनके वालदेन को जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप लोगों को वालदेन वालदेन के मामले में कोई वो नहीं होना चाहिए, आपका दूसरी राय नहीं होनी चाहिए. देखें, फैमिली फैमिली वैल्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस है दैट यू सिलेक्ट योर फ्रेंड्स, यू हैव अ चॉइस टू सिलेक्ट योर वाइफ और द पर्सन योर लाइफ पार्टनर. बट वेयर यू डोंट हैव अ चॉइस, यू डोंट हैव अ चॉइस व्हेन इट कम्स टू योर मदर, यू डोंट हैव अ चॉइस व्हेन इट एब्सोल्युटली कम्स टू योर फादर, यू डोंट हैव अ चॉइस व्हेन इट कम्स टू योर
brothers and sisters and uncles and Absolutely. aunts. You don't have a choice on your kids also, because वो अल्लाह ताला ने आपको दिए. सो आपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है कि जिसमें आप वालदा को वो इम्पोर्टेंस दें जो वो डिजर्व करती है, वालिद को वो इम्पोर्टेंस दें जो वो डिजर्व करता है. हमारी फैमिली में मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ कहा जाता है अबाउट वालदा, वालिद के बारे में कुछ नहीं कहा जाता. लेकिन नेवर फॉरगेट कि अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो दरवाजा बाप है. सो वो बेशक उसके बेशक लिए इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन के लिए. मेरा नहीं ख्याल कि मैं प्रोफेशनली आपको ये बता सकता हूँ कि आप इस तरफ चले जाएंगे, आप इस तरफ चले जाएंगे, आप इस तरफ चले जाएंगे. मैं आपको पर्सनली ये बता सकता हूँ कि मैंने जिंदगी में क्या सीखा है. ठीक है, सो मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि अपने वालदेन की इज्जत करें, चाहे वो आपका बाप है चाहे वो आपका आपकी वालदेन. अगर आपके माँ बाप दोनों हयात हैं, यू आर लकी, उन लोगों की खिदमत करें और उन लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वालिद की दुआ का कोई जोड़ नहीं है, वालदा की दुआ का कोई जोड़ नहीं है. ठीक है, बेशक. कमिंग बैक टू माय प्रोफेशनल ग्रोथ, तो मैं वहां से इंग्लैंड से मैं अब आपको मजे की बात बताऊं. 2006 में शायद मैं इंग्लैंड गया हूँ. 2005 में मैं अपनी वालदा के पास बैठा हूँ और मैं उन्हें कह रहा था कि आई विश अम्मी कि मैं आपको अगले साल उमरा करवा सकूं. उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 12,000 रुपया. ठीक है, मेरे दो बच्चे थे. ठीक है, दो बच्चे थे, 12,000 रुपया तनख्वाह थी, फैमिली थी और वालदा भी थी, और जाहिर है हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं. तो मेरी वालदा पूछती है कि पैसे तो तेरे पास है नहीं. मैं कहा पैसे मैंने, अल्लाह दे देगा, हम करवा करवा दूंगा आपको. अब यकीन करें, मार्च 2006 में मैं इंग्लैंड चला गया और सितंबर 2006 में मेरी वालदा ने उमरा किया. मार्च 2007 में मैं वापस आया और वापस आने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि अल्लाह ताला ने व्हाई ही सेंड मी टू इंग्लैंड इज टू, जो मैंने दुआ की थी वो मेरी नियत थी कि मैं अपनी वालदा को उमरा करवाना चाहता हूँ. उस नियत को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज ही न्यू कि यहाँ पे सफाई है, साफ तरीके से नियत. और मैं ये समझता हूँ मेरे इंग्लैंड जाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जिस मकसद में उसने भेजा था, जो शायद पाकिस्तान में रह के अचीव ना हो सकता, वो था मेरी वालदा का उमरा. अब आप इसको दूसरे तरीके से रिलेट करें. दूसरा तरीका ये है कि आपकी वालदा का उमरा लिखा था एंड दैट वाज ही मेड मी अजरिया कि तू जा पैसे भेज मां को ताकि उसका उमरा पूरा हो, क्योंकि उसने इस दिन उमरा करना है. सो इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये समझें कि जो भी स्टेप आपकी जिंदगी में हो रहा है दैट इज फॉर सम रीजन. ठीक है, Absolutely. और उसमें आपकी Absolutely. बेहतरी ही है. ठीक है, बेशक. अब ऑन द अदर हैंड मेरी वालदा मुझे पूछ रही है कि भाई साहब मुझे बता दें मैं इसको लाइव कैसे करवाना है ताकि मैं ये कॉपी लें. वो एक्चुअली मैंने आपको लिंक भेजा है अपने फेसबुक का, अगर वो डायरेक्टली लाइव वहां पे भी देख सकते हैं. आपको मैंने लिंक भेज दिया, मैं भेज रहा हूं और बाद में भी मैं इंशाल्लाह इसको डाउनलोड करके ये वीडियो भी आपको डेडिकेट करूंगा इंशाल्लाह. नो प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा जी, तो कमिंग बैक के फवाद भाई, सॉरी, एक शेर और याद आ गया जो आपको बिल्कुल आप पे फिट बैठ रहा है, जो मैंने आपकी जिंदगी में देखा है कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, परिंदों की दुनिया का अच्छा. दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना. मैंने हमेशा आपको ना लाइफ में मूव करते हुए देखा है. आई ऑलवेज यू नो यू बीन ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग, और आज पता चला है कि इट वॉज ऑल अबाउट योर फैमिली माशाल्लाह. और उसमें फैमिली के साथ साथ आपने कितने लोगों को, मेरे समेत माशाल्लाह, अल्लाह ने आपसे काम लिए हैं. Nobody have any idea कि किस से अल्लाह ने कितने काम लिए. This all starts from नियत. आप सही कह रहे हैं. So, कि नियत साफ मंजिल आसान. और अल्लाह आपको खुश किस बात में होना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपने किसी की हेल्प की है, आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आप हेल्प कर सकें. खुश आपको इस बात में होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको जिक्रिया बनाया है, आपको, सॉरी ये कोई जैनुल आया तो मैं जिक्रिया कह रहा हूं, आपको जरिया बनाया है उस बंदे की हेल्प करने का. आप यू डोंट हैव एनीथिंग गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू कैन नॉट मूव, एक छोटा सा पत्थर होता है ना, यू कैन नॉट इवन मूव इट अनलेस ही वांट्स यू टू मूव इट. आप जरिया बने और इसमें खुश हो कि आप, यू शुड बी हैप्पी
अल्लाह ताला ने आपको चूज की है किसी की मदद करने के लिए। इतनी बड़ी दुनिया, खरबों लोगों की दुनिया है, उसके लिए कोई कमी है कि किसी और को यूज कर ले? उसके लिए क्या ये उसके लिए मुमकिन मुश्किल है कि वो किसी और को वो जरिया बना दे और किसी और को वो दुआएं दिलवा दे? इसलिए आप लोगों को, हमें हमें खुशी इस बात में होनी चाहिए कि हम जरिया बने और अल्लाह ताला हमें जरिया बनाए। ये बहुत जरूरी चीज है। सो दुआएं, दुआएं क्या, दुआएं आपको वो जरिया बनाती हैं, दुआएं आपको वो रिस्क देती हैं, दुआएं आपके रिस्क में इजाफा करती हैं, और उसके साथ आप नेक नियत हो तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ताला हमेशा 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 आपकी मदद करेगा। टेक माय वर्ड, मैंने जिंदगी में ये तजर्बा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उसके बाद जब मैं वापस आया इंग्लैंड से, तो मजे की बात थी कि मुझे दोबारा SGS ने हायर किया, लेकिन इस दफा मुझे असिस्टेंट मैनेजर हायर किया। पहले मैं कोऑर्डिनेटर था जिसकी आगे कोई ग्रोथ नहीं थी, ना उसने ऑडिटिंग में जाना था, ना उसने किसी ट्रेनिंग में जाना था, ना ही उसने बिजनेस डेवलपमेंट में जाना था। सो दे हायर्ड मी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। ये SGS के 5 साल अगले वो हैं जिसमें मैंने बहुत सीखा, जिसमें मैंने बहुत सारे ऑडिट किए, जिसमें बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, जिसमें मैं इंडिया गया, जिसमें मैं मलेशिया गया, जिसमें मैं कीनिया गया, जिसमें मैं पूरा पाकिस्तान फिरा। आप कैसे कहते हैं, इश्ताक से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। इश्तियाक को मैं सियालकोट से जानता हूँ, जब ये मेडिकल डिवाइसेस में इसने ज्वाइन किया था, ठीक है। उस वक्त ये इश्तियाक बहुत छोटा सा बच्चा होता था और मैं तब से जानता हूँ। आइए, आप मेहरबानी कि आप ये कहते हैं कि आपने मेरे से सीखा, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं लोगों को सिखा सकूं, लेकिन एक चीज में और बिलीव करता हूँ, मेरी ये बातें बड़ी स्कैटर्ड होंगी हेयर देयर, कोई बहुत ऑर्गेनाइज थॉट से मैं नहीं चल रहा इस वक्त। जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, वो करियर पर फिर वापस आऊंगा, वो है नॉलेज शेयरिंग। इस पर कभी कंप्रोमाइज ना करें, कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। आपको इतना मिलेगा रिटर्न, और इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा, कमिंग बैक टू, सो उन्होंने मुझे हायर कर लिया एज अ बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट मैनेजर। उस वक्त गाड़ी दे दी, मोबाइल दे दिया, लैपटॉप, और ये उस वक्त चीजें बहुत मैटर करती थी कि यार आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा था, हम साइकिल चलाते थे, मोटरसाइकिल चलाते थे, गाड़ी मिली तो बड़े खुश हो गए और मेहनत करके काम किया। 2010 में मैं सऊदी अरब आया, और जब मैं सऊदी अरब आया तो मेरे जो बॉस थे अली अख्तर खान, वो मेरे बहुत अजीज हैं, उन्होंने मेरी डेवलपमेंट में जी फवाद भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो वाकया याद आ गया। आपने पता है एक रेडी पे हमें वो टिक्कियां खिलाई थी, अगर आपको याद हो, यू नो, मैं और वसीम और आप, ट्रस्ट मी के वी गेट टुगेदर, वी ऑलवेज रिमेम्बर कि यार वो क्या टेस्ट था, कि इतनी हम्बलनेस और इतनी आजजी के साथ जहां मर्जी लाइफ एंजॉय करते थे। एक चीज आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये इस बीइंग नियर, एज नियर यू आर टू द नेचर, लेस आर्टिफिशियल यू आर, एज हैप्पी एज यू आर, ट्रस्ट मी। सऊदी में जब मैं गया तो अली ने रिजाइन किया, तो अली ने मेरा रिजाइन फाड़ दिया, तू किधर जा रहे हैं? यार मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। मैंने बड़ी मिन्नतें तरले की, उन्होंने, मैंने अपनी तरफ से बड़ा स्कॉलर बना, मैं कहा देखे मेरी बात सुने, वाइज इज द मैन हु लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, ही सेड यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आई सेड वाइज इज द मैन हु लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, एंड अली हमारा उस्ताद है, आपको पता है, वो कहता वाइजर इज द मैन हु लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक। इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है कि आपसे मोहब्बत बड़ी थी उनको, कि आप छोड़ के ना जाने। सही बात है,
सही बात है। नहीं, अली के साथ मेरा रिलेशनशिप वाज वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप। आई मीन एसजीएस में मैंने बहुत सीखा अली से, नदीम अनवर से बहुत सीखा। नदीम अनवर, मैं हमेशा बिल्कुल जब मैं सीखने की बात आती है तो मैं दो बंदों की एग्जाम्पल जरूर देता हूँ। मैं दो बंदों की एग्जाम्पल, मैं तीन बंदों के साथ काम किया है। मैंने कामरान के साथ काम किया, कामरान सिद्दीकी जो आपके ये जी, ऑथर हैं 9 कॉइन्स के, उनके साथ मैंने या काम किया। 24 मैंने ट्वेंटी अली के फोर साथ काम वेल किया, मैंने हाँ जी हाँ, और मैंने काम किया नदीम अनवर के साथ। दो लोगों की मैं मिसाल बहुत देता हूँ, क्योंकि कामरान के साथ मैंने डायरेक्टली काम नहीं किया, मोस्टली उनसे मैंने ट्रेनिंग्स ली, लेकिन मैनेज मेरे दो लोगों ने किया। इन दो लोगों में अली एंड नदीम एंटायरली डिफरेंट अप्रोच थी, एंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। ठीक है, नदीम भाई ने डंडे से सीखा। फवाद भाई एक वाकया शेयर करता है जनू, जो नदीम साहब थे ना ट्रस्ट में, उनसे ऑडिट पास करवाना दिन रात की मेहनत करने के बावजूद भी वो कोई एक डेट ही ना किसी कापा पे लिखी हुई करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन पे, तो उन्होंने दे देनी एनसीआर। बड़ा कहना ऐसे ही कि ऐसे यार ही ऐसे एक ही डेट नहीं डाली आप एनसीआर रेस कर रहे हैं, बट ही नेवर कॉम्प्रोमाइज। आई ट्रूली यू नो, ऐसे ही आज बिल्कुल बातों ऐसे से ही बात मैं निकल बिल्कुल ऐसे पड़ी ही। है। सो वो जो है नदीम भाई जो है और जो अली है, नदीम बाय द वे अली इज मोर सीनियर देन नदीम, लेकिन मैं नदीम भाई को कहता हूँ नदीम भाई, और अली को मैं कहता हूँ अली। तो इन दोनों लोगों से मैंने बहुत सीखा। अली से मैंने ये सीखा कि चीजों को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, और नदीम से मैंने सीखा कि टेक्निकली चीजों को कैसे देखना है। बेशक नदीम की अप्रोच एज अ मैनेजर थी कि आप सीखें और फिर उसके पास आए क्वेश्चन करने। अली की अप्रोच एज अ मैनेजर थी कि वो आपको, ही विल गाइड यू एंड ही विल देन लेट यू डू स्टफ। सो दिस इज, आई मीन फॉर मी इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस ऑफ द एब्सोल्युटली मैनेजमेंट। सो मैंने उनसे भी सीखा, एब्सोल्युटली दोनों से सीखा। एनीवेज देन कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं डेवरसी में आ गया, सऊदी अरब। सऊदी अरब डेवरसी में आया तो मैं एज अ कंसल्टेंट आया, और मेरे पास दमाम का एरिया था। 3 साल डेवरसी में लगाए। डेवरसी ने मेरी, देखें मैं एक और आपको बताऊं बात, वो ये है कि यकीन करें कोई ऐसी कंपनी मुझे अल्लाह ताला ने नहीं दी। अगर मैं ये कहूंगा मैं ऐसी कंपनी में नहीं गया, ऐसी कंपनी से हमेशा मैं उस कंपनी से एक्सपोज हुआ जहां पे मेरे लिए सीखना एक इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी। एसजीएस में मैं कोऑर्डिनेटर गया, और मैं जब निकला हूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाज द टॉप बिजनेस डेवलपमेंट गाय। आई वाज फुली यू नो इक्विप्ड विद द ऑडिटिंग फवाद स्किल्स, और वो बेशुमार प्रोसेस ऑडिट कर लिए हुए थे। भाई, फवाद भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहां मुझे बताने दे ऑडियंस को कि फवाद भाई कभी भी किसी टेबल पे कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठते थे तो इट वाज रियली हार्ड फॉर द बिजनेस कम्युनिटी कि उसको इनकार कर सके। मैंने इनको इवन सऊदी अरेबिया में भी इस चीज में बढ़ा, और एंड आई रियली यू नो लर्न अलॉट कि किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट्स विनर बन जाते हैं, कैसे वो, तो इनकी माशाल्लाह पर्सनालिटी में ही कोई जादू है अल्लाह की रहमत से कि किस तरह लोग, पीपल लव टू वर्क विद नहीं मिस्टर ठीक है, फवाद माशाल्लाह। मैं थैंक यू वेरी मच यार इश्तियाक। एक चीज, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं एक्सपीरियंसेस। एक चीज में रखें, व्हेन यू आर इनटू बिजनेस डेवलपमेंट, डोंट सेल द प्रोडक्ट, डू नॉट सेल द प्रोडक्ट। टू थिंग्स एब्सोल्युटली आपने, दो चीजें बेचनी है, दो चीजें बेचनी है। एक आपने बेचना है रिलेशनशिप, बेशक दूसरा जो बेशक आपने बेचना है वो बेचनी है अवेयरनेस, नॉलेज। क्लाइंट को इतना अवेयर कर दें कि जब कोई और आएगा, कोई और भी आएगा ना, तो कहेगा यार एक मिनट, ये नॉलेज मुझे कहाँ से आया, ये नॉलेज मुझे उस कंपनी ने या उस बंदे ने दिया, लेट्स गो देयर। सो हमेशा बेचें दो एब्सोल्युटली चीजें, एक चीज बेचें आप रिलेशनशिप, दूसरी चीज बेचें आप नॉलेज, कि आप और आप, एब्सोल्युटली आपको वो नॉलेज इस तरह उसको ट्रांसफर करना है कि आप, अगेन आप इसलिए ट्रांसफर नहीं कर रहे उसे नॉलेज कि आपने विन करना है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विल कम, आई कैन गारंटी यू, एग्जैक्टली बट यू हैव टू एब्सोल्युटली बी क्लियर हेयर कि आप ये नॉलेज, क्योंकि देखें आप जब इस नियत से जाएंगे ना कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट विन करना है, तो जो आप नॉलेज नॉलेज कम्युनिकेट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे वो लिमिटेड होगा, एंड इट विल नॉट ब्रिंग यू बैक द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके पास आपके आपसे ज्यादा लोग, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग नहीं बैठे हैं। फवाद भाई आपसे मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सीखी है वो रिलेशनशिप में बेसिकली अ वेरी सिंसियर फ्रेंडशिप। मैं आज भी अगर नेम ले सकता हूँ कंपनी ऑनर्स के मैनेजर्स के जो आपके, दे आर गुड फ्रेंड ऑफ यू माशाल्लाह, कि वो मतलब वो ये भी नहीं सोचते थे कि आप डबेसी के अल्हम्दुलिल्लाह साथ हो, एसडीएस के साथ हो, या किसके साथ हो, दे जस्ट नो यू माशाल्लाह, दैट्स ऑल्सो आई नोटेड एंड लर्न फ्रॉम यू एग्जैक्टली, माशाल्लाह।
सो द पॉइंट अगेन मैं ये समझता हूँ कि अगेन ये एबिलिटी अल्लाह ताला ही आपको देता है कि आप ये समझ सकें कि लोगों की नीड क्या है। मेरा ख्याल है अगर हम बातों में रहेंगे तो ये सेशन शायद 5 घंटे में चला जाएगा। सो मुझे उसको टाइम को भी देखना है। मेरा ख्याल है ऑलरेडी आधा घंटा मैं खा गया हूँ आपका। अच्छा नहीं 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 कैरियर में वाजी आज जी, मैं आपको बता दूंगा, अगर ऑडियंस बोर हो रही होगी ना तो मैं बता दूंगा, देन वी कैन वाइंड अप, बट ऑल आर एंजॉयिंग माशाल्लाह एंड दे आर लर्निंग अ लॉट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डेवर्सी ने मेरे साथ क्या किया, अब आप देखें आपको ये देखने की जरूरत है कि कंपनियां आपके आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी जजमेंट हो जाते हैं कि यार ये कंपनी इसने तो मेरे कैरियर में ऐड ही कुछ नहीं किया। डेवर्सी ने मेरे कैरियर में क्या ऐड किया, डेवर्सी में 3 साल काम किया, 3 साल जब मैंने काम किया मैं डेवर्सी से निकला तो मेरे प्रोफाइल का रंग बदल चुका था। कि मतलब ये है कि डेवर्सी ने सबसे पहले यासर नजीर का मैं नाम जरूर लूंगा, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जाके ट्रेनिंग करवाऊं। आई ज्वाइन डेवर्सी 15 दिन हुए हैं अभी, ये कामा भी नहीं, और सऊदी अरब इकामे के बगैर भाई ये क्या हो रहा है। मुझे कहता है कि जाओ यासर फवाद साहब गल सुनो, यासर का एक स्टाइल है, फवाद साहब गल सुनो जाओ जाके ना जुल्फी जाके ट्रेनिंग करा के आओ। मैं कहा यार यासर मैंने तो कभी ट्रेनिंग नहीं कराई, और तुसी ऑडिटर नहीं गए 9000? मैं कहा हूँ, तो फिर ट्रेनिंग करा के आओ। मैं कहा यार यासर मैं कभी, कहता जाओ ट्रेनिंग करा के आओ। एंड आई स्टिल रिमेम्बर एंड आई विल नेवर फॉरगेट कि मेरी पहली ट्रेनिंग जो थी ना वो ये मेरे पीछे स्लाइडें चल रही थी, मैं स्लाइड पढ़ता था और बताता था, स्लाइड पढ़ता था और बताता था लोगों को। और ट्रेनिंग कैसे करता था कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट 1 2 3 4 5, पॉलिसी रिक्वायरमेंट 1 2 3 4 5। सो दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रेनिंग, लेकिन दैट वॉज द टाइम व्हेन एक्सपोजर, अल्लाह गेव मी द एक्सपोजर कि नहीं, एंड ही टोल्ड मी दैट दिस इज द एरिया यू नीड टू डेवलप इनटू यू, एंड देन ही हेल्प्ड मी डेवलपिंग दैट स्किल इन मी। सो आज मुझे लोग कहते हैं कि फवाद ट्रेनर है, मैं समझता हूँ कि ये इसने फवाद ने बड़ी स्किल डेवलप की है, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला ने आपकी स्किल्स एनहांस करने में आपकी हेल्प की है, अदरवाइज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं चैलेंज करके कहता हूँ हम कुछ नहीं है। आज मैं एक मिसाल इश्तियाक की देता हूँ। आज इश्तियाक बैठा ये पेन ले रहा है कि यार यहाँ पे कम्युनिटी को मैसेज कम्युनिकेट करें, क्यों, why? Do you think that इश्तियाक is capable enough to communicate that message to the community? No, he has been assigned to this task. ये उसकी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है, ये जो उसको असाइन कर दी गई है कि इश्तियाक तुमने ये काम करना है। उसके जेहन में अगर ये आइडिया आया तो आया नहीं, डाला गया। उसने इस पर काम करना शुरू किया तो किया नहीं, करवाया गया। आज मेरे साथ बैठा है तो इसलिए नहीं, एग्जैक्टली आज जो मेरे लिए बैठा है इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, इसलिए नहीं कि इश्तियाक बहुत बड़ा साइंसदान है, इसलिए कि अल्लाह ताला कुछ चीजें मेरे थ्रू शायद कम्युनिकेट करवाना चाहता था। ये एक टास्क मुझे असाइन हुआ और इस टास्क को करना, और अगेन उस टास्क को करना भी आपका काम नहीं है, ट्रस्ट मी। आपने उस आपको उसकी तौफीक देना भी, आप यकीन करें आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला आपको ये तौफीक दे रहा है कि आप किसी से बैठ के बात करें और लोग आपको सुन रहे हैं। मैं अपने आपको खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के काबिल हूँ और ये कहने के काबिल हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरा ख्याल है कि मेरी वालदा देख रही है, मैं दोबारा वो वालदा वाला पार्ट दोबारा से करूंगा कि जहां पे भी मैं हूँ, मैं समझता हूँ मैं पोजिशनें छोटी बड़ी नहीं होती, बंदे छोटे बड़े नहीं होते, ये सारी आपकी जो चीज है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और अल्लाह ताला आपको देता है कि आप जिंदगी में उसने आपको कहाँ पहुंचाना है। एनी वे सो मैं अगेन मैं अपनी वालदा को मैं समझता हूँ कि मैं अगर मैं दोबारा ये मेंशन नहीं करूंगा तो ये मेरे अपने साथ, मेरी वालदा के साथ, मेरे प्रोफेशन के साथ, मेरी जिंदगी के साथ ज्यादा होगी कि मैं अगर वो मेरी तरफ से भी बहुत ज्यादा सलाम, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, उनका साया आप पे, आमीन सुम्मा आमीन। सो अगर मैं दोबारा से टच नहीं करूंगा तो ये ज्यादा होगी मेरे साथ, मेरे प्रोफेशन के साथ, आपके साथ, आप लोगों के साथ और मेरी जिंदगी के साथ, कि मैं अगर ये एक्नॉलेज ना करूं आज कि ये सारी जितनी एफर्ट है ये मेरी वालदा की एफर्ट है। आप लोगों को कुछ अंदाजा नहीं है कि मेरी वालदा ने कितनी मेहनत की है। मैंने आपको बताया मैं 7 साल का था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, और आज मैं 45 साल का हूं, और इसमें एक एक दिन, एक एक कदम, एक एक मशवरा मेरी वालदा का है, एक एक दुआ मेरी वालदा की है।
हर चीज जो है मैं समझता हूँ कि मैं लोग कहते हैं कि आप उस एक रात का देना नहीं दे सकते जब वालदा ने आपको गीले से उठा के सूखे पे किया और खुद गीले पे लेट गई। ठीक है, ये एक रात है, और मेरी वालदा वो है जो हर रात गीले बिस्तर पे सोई है मेरे लिए। बड़ी बात, मैं आई कैन बड़ी नॉट रिटर्न इट, आई कैन नॉट रिटर्न इट। मेरी मेरी माँ हर रोज मेरे लिए उस गीले बिस्तर पे सोई है और आज भी सोती है उसी गीले बिस्तर पे, मैं समझता हूँ। और वो किस लिए? औलाद के लिए। सो बेशक आई मीन हर माँ, हर मेरे लिए हर माँ काबिले काबिले एहतराम है, लेकिन मेरी माँ एडिशनल है भाई। आई एम सॉरी, मैं उनकी उनके लेवल का अल्लाह अल्लाह जो है की अल्लाह रिस्पेक्ट और सबके मैं माम किसी को को नहीं दे हमेशा सकते। सबके वालदेन को फवाद भी हमेशा सलामत रखे। वो साहिबान आमीन है और आमीन डेफिनेटली उनकी आमीन दुआओं से ही आमीन सारा सिस्टम चल रहा है। और आमीन मैं इसमें फिर एक वो शेर याद आ गया कि बात सजदों की नहीं खलूसे दिल की होती है एक बार, बात वाकई में सजदों की नहीं खलूसे दिल की होती है एक बार, हर मेखाने में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होता। तो इट्स ऑल स्टार्ट एग्जैक्टली फ्रॉम इंटेंशन के जो आपकी नीयत है माशाल्लाह। और वाकई में वालदेन की दुआओं से तो आप कहीं पे भी मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप वाकई कुछ नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह देर उनकी इज नो दुआओं से नवाज। क्वेश्चन, देर इज नो क्वेश्चन, देर इज नो डाउट अबाउट दीज थिंग्स। सो गाइज, दिस इज द टेक, इफ यू आस्क मी के टेक अवे क्या है, पहला टेक अवे आपका ये है कि वालदेन, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उससे ज्यादा उनकी हर चीज का ख्याल रखना। मैं यहां पे बैठ के अपनी बेशक वालदा को कहता हूँ आपने ऐनक लगवा ली है, उनके लिए वही बहुत चीजें काफी हैं। उनको ये पता है कि मेरा बेटा मेरा दिन कहाँ से शुरू होता है। मैंने द मोमेंट दफ्तर के लिए निकलना, गाड़ी में बैठना, पहला काम अपनी वालदा को फोन करना है, इसके मैंने और कुछ नहीं करना। ये मेरा दिन की शुरुआत है। अब आप खुद सोचें, अगर आपने क्या दिन की शुरुआत ही दुआओं से की है, तो आप वेयर डू यू स्टैंड थ्रू बात, आउट द डे? क्या ठीक है, बात है, माशाल्लाह सो माशाल्लाह। सो अब आप वापस नाजरीन, आए, ये हम सबके लिए मैं बहुत वापस बड़ा आ गया। मैसेज है फवाद भाई की तरफ से कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब वालदा से बात करके उनकी दुआएं लेके आप अपने दिन का आगाज करें अल्लाह के जिक्र करके, तो ऑफ कोर्स आपका सारा दिन जो है वो इंशाल्लाह इंतहाई अल्लाह की रहमतों में गुजरेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि फवाद भाई माशाल्लाह जितने भी अल्लाह ताला आज उनको इस मुकाम तक पहुंचाए, इसमें उनकी वालदा की अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं रब्बिल का, आलमीन, मैं कहता हूँ कि उनकी दुआओं का ही असर है। और अल्लाह ताला, आपको पता है, माँ की दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती। तो इसी दुआ के साथ मजीद माशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह ताला आज हमें मजीद क्या सीखने को मिलता है फवाद भाई से। जी फवाद भाई, कैरी ऑन प्लीज, इंशाल्लाह बिल्कुल ना कंजूसी अभी। कीजिएगा, यू नो पीपल अच्छा, आर आपके रियली। पास मेरा ख्याल है कि 7 मिनट हैं, अगर मैं सेशन का ड्यूरेशन देखूं 7 मिनट हैं। अब आप मुझे बता दें कि मैंने और गिर-गिर करनी है, कितनी काफी है? जी फवाद भाई, अगर आप चीदा चीदा कुछ क्वालिटीज ऐसी अब प्रोफेशनली अगर बताना चाहें हमारी ऑडियंस को कि एक्सलेंस को अचीव करने के लिए कौन सी वो ऐसी अच्छा स्किल्स गेन करें कि जो देखें, उनको। मेरा मेरा मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे आऊंगा, फिर इसका मतलब है आपको मुझे 10 मिनट और देने पड़ेंगे उस लाइन पे बात करने के लिए। एक चीज इसलिए मैं मैंने आपको, कहा किन जो क्वालिटीज है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आपको आपके लिए ये इस सेशन का, मैं अगर मैं ये समझता हूँ कि जो दूसरा टेक अवे आपके लिए होना चाहिए वो है बिलीव। ये बिलीव अल्हम्दुलिल्लाह करना कि अल्लाह ताला जो आपके लिए कर रहा है वो सबसे बेहतरीन चीज है। मैं अब आपको एग्जाम्पल दूंगा। बैक इन 2014 मैंने किफा ज्वाइन किया, 10 11 12, 12 11 की बात है। मुझे कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी बंदे का नाम पे यहाँ नाम नहीं जाहिर करूंगा। मुझे एक जगह से ऑफर हुई, ठीक है, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें फीडबैक चाहिए एक स्पेसिफिक बंदे का आपके बारे में। मैं कह ले लो, ठीक है। अब वो बंदा मेरा बहुत क्लोज दोस्त था, लेकिन दरमियान में कुछ चीजें आई, मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं। अब मुझे उस लड़के ने फोन किया जिसने मेरा इंटरव्यू करवाया था, कहता तू उसको फोन कर और उसको कह दे कि सर कैसे फीडबैक लेना है, क्या फर्क पड़ता है फौरन। मैं कहा यार टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ कि मुझे पता है कि हो गए, लेकिन चलो देर इज नो हार्म। मैंने उनको फोन किया, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है वो। मैंने उनको फोन किया, कोई 15 1 मिनट का, 10 1 मिनट का फोन था। और उस फोन में मैं, माजरत लोगों के साथ, मेरी पैंट उन्होंने मेरे कंधे पर डाल दी थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था, फाइनल वर्ड ये थे कि नो देर इज नो रिकमेंडेशन, ठीक है। मैं आया अगले दिन, उन्होंने मुझे कहा कि जी थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास वीजा नहीं है।
मैं गया, मैं शुक्राने के दो नफल पढ़े, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, नौकरी है ना, चल रही है ना, रिज्क आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सिचुएशन को एनालाइज करना। अब दो चीज इस पे, इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक ये कि मैं कहता यार ये क्यों नहीं हुआ, इतनी अच्छी नौकरी थी, ये नहीं हुआ। Absolutely. दूसरी तरफ मैंने कहा कि नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एंड आज मैं पीछे मुड़ के देखूं तो उस नौकरी पे मैं सऊदी अरब में एक कंपनी में एक कमरे में चार लोगों के साथ बैठा होता और वहां पे मैनेजर होता, ठीक है। आज Absolutely. अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, कंपनी में मेरी इज, मैं कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिलता है बहुत ज्यादा काम करने का, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने का। तो दूसरा टेक अवे ये है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे टेक अवे दे सकता हूँ, लेकिन लेट्स मूव टू द प्रोफेशनल लाइफ। ये चीज ध्यान में रखें, प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी कंजूसी नहीं करनी नॉलेज शेयर करने में। पहली चीज, अगर अलिफ आता है ना तो अलिफ बताएं, बे आता है बे बताएं, जितना आता है पढ़ाएं। मैं आज मैं वो थोड़ा दिमाग घूमता है लोगों को तंग करने वाला, तो मैं लोगों के साथ बैठ जाता हूँ, अच्छा चलो मुझे करेक्टिव परमिटिव एक्शन की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, चलो मुझे रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताओ, चलो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताओ। अच्छा लोग मेरे से बड़ा चलते हैं कि यार ये ना फिर हमारे हमारी अब क्लास लेगा, लेकिन असल मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि उन दोस्तों के साथ बैठे उनके तंग करते करते आपने राइट नॉलेज डिलीवर करना है। सो पहली चीज, अपने माँ बाप की पहला टेक अवे, अपने माँ बाप पे कोई कंप्रोमाइज ना करें, उनकी इज्जत में, उनकी जरूरियात में, उनके एहतराम में। दूसरा टेक अवे, बिलीव रखें कि आप, मैं समझता हूँ ये सीक्वेंस में दूसरा है लेकिन सीक्वेंस में ये सबसे पहला, ये बिलीव सिस्टम आपका, ये बिलीव रखें कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो अल्लाह ताला आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है। मैंने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, ठीक है, वो आपको कहेंगे आई अंडरस्टैंड योर पेन, या हबीबी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पेन। मैं एक एक ये थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक बंदे से बात कर रहा, तो उस बंदे की औलाद नहीं है, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात थी, तो वो कहता आई अंडरस्टैंड योर पेन। मैं से एक सेकेंड, मैं कहा हाउ डू यू अंडरस्टैंड द पेन, हाउ डू यू हैव किड्स, यू हैव योर किड्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लव ही इज नॉट फीलिंग, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ नॉट हैविंग दोज किड्स, यू कैन नॉट। एब्सोल्युटली। सो मैं ये समझता हूँ आपको एज अ मोटिवेशन स्पीकर भी, आपके पास आपने बड़ी किताबें पढ़ ली, आपने बड़ी ट्रांसलेशन कर ली, आपने बड़े सेशन दे दिए, ऐसी बात ना करें कि ही यू अंडरस्टैंड। आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते, क्या कर सकते हैं कि उसको सबर की तलकीन करें और उसके लिए दुआ करें, ठीक है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इन चीजों का ख्याल रखा करें। हमें 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 हम हर चीज के मामे नहीं है, ठीक है, और हम हर चीज में वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी नहीं है। सो ये एवरी ब्रिक हैव अ वैल्यू, चले अब तीसरा, एवरी ब्रिक हैव अ वैल्यू, जी हर इंसान की वैल्यू। रिसेंट चीज जो मैंने सीखी है, रिसेंट चीज मैं रिसेंट चीज जो सीखी है वो ये है कि जब आपको कोई मशवरा देता है, चाहे वो छोटे से छोटा बंदा हो, अब आप ये एक चीज ध्यान में रखें, जो लोग नीचे से चल के आते हैं ना, उनके लिए किसी और के काम की क्वालिटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। लेकिन उस मीटिंग में बैठा था, एक बंदे ने बात की, जो छोटा है, और मैं आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट, कि उसने कहा कि मशवरा किसी का गलत नहीं होता, आज उसका मशवरा वो गलत लग रहा है, कल को हो सकता है वही इज द सोल्यूशन। सो डोंट अंडर एस्टिमेट किसी ने, चाहे उसका एक्सपीरियंस थोड़ा है बट जरूरी नहीं है, वो मशवरा कल को आपके मशवरे से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। सो प्लीज टीम में काम करें, टीम को वैल्यू करें, टीम पे ट्रस्ट डेवलप करें, और टीम को ये वैल्यू दें कि एवरीबॉडी इज इक्वल। मैं मेरे मेरे पास डायरेक्टली 3-4 लोग रिपोर्टिंग है, और मेरे पास इनडायरेक्टली 20-21 लोग रिपोर्टिंग है। आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि जो टीम आपके साथ काम कर रही है उसके लिए व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द लाइफ, ठीक है। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा मैं पीछे वापस जाऊंगा नॉलेज शेयरिंग पे। नॉलेज शेयरिंग करने से मैंने जो तजुर्बा जिंदगी में लिया वो मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट का
स्टैंडर्ड सॉरी जो स्टैंडर्ड है जो 9000, क्योंकि लोग ज्यादा 9000 को जानते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड उस वक्त डेवलप हुई थी, मैंने 5 साल 6 साल ऑडिट किए, मैंने ऑडिट सर्टिफिकेशन बेची, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप हुई, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो जब नॉलेज शेयर करना शुरू किया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जमीन आसमान का फर्क आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ। आई वॉज ये एबल टू बात तो समझ अंडरस्टैंड के आप करते हैं, थिंग्स विच इबादत समझ के आप करते रहे हैं फवाद भाई, सॉरी इबादत समझ के आप दूसरी पढ़ाते रहे दूसरी हैं आज चीज ये कि मैं विद भी। ऑल एग्जैक्टली दूसरी चीज ये है कि आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज ऑडिटर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे अच्छे मैंने ऑडिटर्स देखे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ट्रेनर है, अगर वो ट्रेनर और ऑडिटर है, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कल को आपने कभी भी इस तरह की चीज पे जाना है। अच्छा जी, अच्छा मेरा ख्याल है कि अगर मैं इस पे जाऊंगा तो मेरा ज्यादा फिर मैनेजमेंट के रहेगा, लेकिन मैं आपको जेनेरिक चीजों पर लेके चलता हूँ जी ज्यादा। सो बिलीव सिस्टम, वालदेन की कदर, तीसरा नॉलेज शेयरिंग, चौथी जो चीज मैं आपसे कहूंगा प्रैक्टिस करने के लिए वो ये है कि जो चीज आपको प्रोफेशनल या प्रोफेशनल लाइफ में बात कर रहा हूँ, या आप इसे पर्सनल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मांगे ना, मांगे ना, जो चीज आपको दी जाएगी उसके साथ यकीन रखें मदद आएगी, जो चीज आपको असाइन होगी उसके साथ मदद आएगी। एग्जाम्पल, बेशक मैंने यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने एज अ कॉर्पोरेट क्यूएचएससी मैनेजर ज्वाइन किया, ठीक है, 2014 में, 2015, 2016 में मुझे इन्होंने दे दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। मैं सीईओ के पास बैठा, मैं कहा अबू उमर आई हैव नो आइडिया व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज, आई लिटरली हैव नो आइडिया। उसने कहा कि नहीं, आई वांट यू टू रन दिस ऑफिस। अब आप उसके साथ हेल्प किया, आप यकीन करें, आप यकीन करें, मुझे फील हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या तो कॉर्नर बना दिया या वो दरवाजा खोल दिया, बड़ी और जहां से वो बात। कोई गिरना शुरू हो गया मेरे दिमाग में। यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमने कुछ चीजें की, मैं ये नहीं कह रहा हमने बहुत काम किया, लेकिन हमने काफी काम किया, काफी काम किया, और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे सेशन भी कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स को मैनेज भी कर रहे होते हैं, कस्टमर के प्रोजेक्ट में भी बैठे होते हैं, स्ट्रेटेजी भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए मशीन जो चीज दी जाए उसको लें। अभी रिसेंटली मेरे डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस आ रही थी, तो मैं आई वॉज ऑफ द व्यू कि अच्छा ये चीज भी ले ली जाए, ये चीज भी ले ली जाए, स्कोप उनका मुझे कुछ एडिशनल स्कोप देने की बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार रिस्क मैनेजमेंट दे दो मुझे। कहता यार फवाद कुली है, मैंने कहता यार लेने को तो ले लेंगे, लेकिन ये हम खुद ले रहे हैं, ये हम वी आर क्लेमिंग इट, सो बी केयरफुल व्हेन वी आर क्लेमिंग इट, वी हैव टू बी अकाउंटेबल। अब जरूरी नहीं है इसके साथ मदद आए, बिकॉज वी आर क्लेमिंग इट, इट्स नॉट बीन असाइंड। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो एब्सोल्युटली मिले उसको डिलीवर करें, लालच ना करें, ठीक क्या है। बात क्या बात। उसके बाद सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो, मैं एक दफा दोस्त के पास बैठा तो वो मुझे कहता कि यार अल्लाह ताला ने आपको, आप शुक्र अदा किया थे, आप नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहा मैं शुक्र बहुत अदा करता हूँ। कहता नमाज पढ़ना शुक्र अदा करने की एक तरीका है। क्या बात बेशक हमारे पाकिस्तान में बेशक सबसे जो मुझे तकलीफ होती है वो ये है कि हम इस्लाम से दूर पीरों फकीरों के पास हैं, इस्लाम से दूर पीरों फकीरों के पास हैं, जो कि मुझे मेरे लिए मेरी ये तकलीफ दे चीज है जो मैं समझता हूँ। झूठ बहुत बोलते हैं हम, ऑनेस्ट रहें, झूठ ना बोलें, सारी चीजें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं बेशक वापस आता हूँ, ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये मेरे, आई हैव लिव्ड ऑल दीज थिंग्स, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं आपको, जी फवाद भाई, इसमें माशाल्लाह जो यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को आपने देखा है वो भी डेफिनेटली, चाहे आप बिजनेसमैन हैं चाहे आप मैनेजर हैं, किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आफ्टर ऑल यू आर अ प्रोफेशनल, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी जो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है और जो हमारी पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी है, हाउ आर यू गोना रेट देम और व्हाट थिंग्स रियली वी नीड टू डेवलप इन आवर बिजनेस कम्युनिटी इन पाकिस्तान, कि जो बेस्ट इंटरनेशनल का विजन भी है कि हम, बिकॉज एट द एंड एवरीबडी इज अ प्रोफेशनल एक्चुअली, वो अलग बात है कि वो सीईओ है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, या वो काइंड ऑफ फाउंडर है या ओनर है, बट एट द एंड ही इज अ प्रोफेशनल, किसी ना किसी प्रोफेशन में है। सो लेट नो आवर यू नो, बिकॉज आपका बड़ा माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, सो आई वॉन्ट आवर पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी टू टेक द एडवांटेज इंशाल्लाह टुडे। मैं मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक मैं शैलो आपको
मशवरा दे दूं जो कि दिया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा इस कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखें, बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस कहाँ डेवलप होता है? कंट्री से डेवलप होता है, ठीक है। मैं सऊदी अरब और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करूंगा, क्यों? सऊदी अरब इज अ रिच कंट्री, डोंट फॉरगेट दैट। सऊदी अरब इज अ रिच कंट्री जिसने अपने लोगों को इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि वो आज एथिकल बिजनेस करते हैं, वो आज झूठ नहीं बोलते फॉर एग्जांपल, या वो चोरी नहीं करते, ठीक है। या मैं अभी मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 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 या रब के पाकिस्तान उस लेवल पे पहुंचेगा, द डे इज नॉट फार इंशाल्लाह, कि जब हम वही सारी प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। आज हम क्यों करते हैं? आज देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुरबत जो है वो बड़ी बुरी चीज है। सो आज आपको अगर आप इफ यू गो बैक एंड सी कि पाकिस्तान में लोग माइल प्रैक्टिसेस या धोखाधड़ी या अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो क्यों करते हैं? देखिए, दो दो तीन लेवल हैं। पहला लेवल है आपका पॉवर्टी, जहाँ पे गरीब लोग हैं, उन्होंने अपना पेट भरना है। अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो चोरी करेगा, उससे भूखा भूखा नहीं रहना, उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। सो दिस इज वन थिंग। ऑन द अदर हैंड, ऊपर आ जाए, यही दो लेवल है कंपेयर करने वाले। दरमियान वाला तबका तो आपका मेरे जैसा है, जो किसी चीज में रहता है या मैं गलत ना करूं और मैं सही करूं, मैं सही करूंगा तो क्या इम्प्लीकेशन होंगी। सो ये दरमियान वाला तबका है। सो लेट्स टॉक अबाउट रिच एंड पुअर। अब जो रिच है वो ये चाहता है कि सारा पैसा मैं ही रखूं अपने पास। उसके लिए अब उसके लिए उसको चाहे माल प्रैक्टिस करनी पड़े, चाहे अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करनी पड़े या क्या, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पोटेंशियल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, एथिक्स की कमी नहीं है, बट हम उसे दे सकते। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिजनेस कम्युनिटी के लिए मैं ये समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है, उनके लोग। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं, मैं प्रोफेशनल से नहीं, मैं बिजनेस लेवल पे आता हूँ, उस किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उसके लोग हैं। हम एक अप्रोच स्ट्रेटजी की इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। वो कहता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, आपकी लाइफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये जिंदगी रखिएगा। जो आप करेंगे उसी का रिटर्न मिलेगा, उसी का रिटर्न मिलेगा। व्हाट गोज अराउंड योर एक्शन हैव रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। आपकी जिंदगी एग्जैक्टली आपकी जिंदगी कॉज एंड इफेक्ट है। आज आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो कमिंग बैक टू क्या बात जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, बैलेंस स्कोर कार्ड की जी। हाँ, बैलेंस स्कोर कार्ड में जो पहला पहला कंपोनेंट है ना, वो है पीपल। पहला कंपोनेंट है वो है पीपल। वो कहते हैं कि अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे होंगे, यानी आपके लोग अच्छे होंगे, तो वो अच्छे प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। आपका प्रोसेस अच्छा होगा तो आपका कस्टमर कंट्रीब्यूट होगा, खुश होगा, और जब कस्टमर खुश होगा तो क्या होगा, फ्लूस आएगा। ऑफ कोर्स यू विल गेट मोर बिजनेस, मोर रेवेन्यू, ऑफ कोर्स बॉटम लाइन, जो भी टारगेट्स, मोर बिजनेस, मोर कस्टमर, मोर, एग्जैक्टली। सो आप पीपल डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट, कस्टमर डेवलपमेंट, एंड देन इट गोज एंड टच द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो कॉज एंड इफेक्ट, आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है, आपकी मैनेजमेंट की अप्रोचेस भी ऐसे ही है। सो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जो करेंगे वही रिटर्न मिलेगा। सो आपके लोग अच्छे होंगे, आपके प्रोसेस अच्छे होंगे, प्रोसेस अच्छे होंगे आपका कस्टमर ज्यादा होगा, आपका कस्टमर अच्छा होगा आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे और आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी। सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने लोगों पर इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नहीं मसला, ये एशिया और मिडिल ईस्ट का भी ये मसला है। हम वी डोंट नो अ प्रोसेस अप्रोच। हम प्रोसेसेस बनाते हैं, और अगर कोई एक बंदा है जो इस चीज को ड्राइव करे, तो वो क्या होता है कि वो प्रोसेस बनाएगा और वो प्रोसेस जाएंगे किसी के पास और वो ड्रावर में चले जाएंगे और वहां पे पड़े रहेंगे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल होती है एचआर की पॉलिसीज। बिजनेस कम्युनिटी के लिए मैं हमेशा ये कहूंगा कि पॉलिसीज बनाएं और उससे कम्युनिकेट करें प्लीज। आपने वो प्रोसेस इसलिए नहीं बनाए कि ड्राइवर में रहे। आप पीडीसीए हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, कब से पीडीसीए पढ़ते आ रहे हैं, कोई शक नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आपकी जिंदगी पीडीसीए है।
आपकी जिंदगी पीडीसीए प्लान डू चेक एक्ट प्लान करें, उस पर एक्ट करें और उसके बाद देखें क्या गलतियां की हैं और उसको रीप्लान करें। सो मैं पाकिस्तान में कम्युनिटी जो बिजनेस के लिए वहां पे, तो मैं आपको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगा कि पीपल इज द एसेंस ऑफ बिजनेस। अगर लोग नहीं है तो बिजनेस नहीं है, ठीक है। दूसरा कस्टमर फोकस्ड, कस्टमर को देखें, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये दोनों को अलाइन करें और उसको प्रोसेस के थ्रू अलाइन करें, आपके फाइनेंशियल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जब मैंने जो चीज तीसरी देखी है वो ये है कि जब हमें कोई एक मिल जाता ना बिजनेस, हम फिर उसमें से सेविंग कहाँ करते हैं, हम प्रोसेस इंप्रूव करके सेविंग नहीं करते, हम कोशिश करते हैं दो नंबर ही कर लें, इसकी क्वालिटी कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और Absolutely. असल में हमें प्रोसेस को देखना चाहिए भाई, वी नीड टू इम्प्रूव द प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। अभी जो इंटर लूप है माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल है, हाइनून लेबोरेटरीज है, मोनटेंटो है, नेस्ले है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, जो कि वो लोग हैं जो जिन्होंने बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट किया, कैसे पहुंच गए वो यहाँ पे यार। देर इज सो ट्राई टू फाइंड आउट के क्या एक अच्छी चीज है। एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, एक चीज ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, इसको सोचिएगा। बैक इन 1993 मैं अपने बॉस के कमरे में जाता हूँ, तो वहां पे एक और कलीग बेटा, बॉस वॉज नॉट देयर, और वो उठा और उसकी कुर्सी पे बैठ गया जो कि उसकी कुर्सी थी। तो मैंने उसे कहा, मैं यार डू यू थिंक दैट यू डिजर्व दैट प्लेस, एंड ही वाज लाइक आई नो मोर देन हिम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक चीज ध्यान में रखें, जरूरी नहीं है कि आप उससे ज्यादा नो करते हैं इसीलिए आप ऊपर जाएंगे, नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ कि अगर कोई बंदा, कई दफा आपको ये होता है कि आपका मैनेजर टेक्निकली इतना कैपेबल नहीं होता, दिस इज नॉर्मल, आप ये ना देखें कि वो टेक्निकली कैपेबल नहीं है, आप ये देखें कि वो किस चीज का कैपेबल है जिसने उसको सीट पर बिठाया है। जो आप नहीं देख सके, जो आप नहीं देख सके, आपके बॉस ने, उसके बॉस ने देख लिए, या जो अल्लाह ताला ने उसके बॉस को दिखा दिए। तो ये चीजें जिंदगी में एथिक्स पे कंप्रोमाइज ना करें। लेकिन मैं एथिक्स के लिए समझता हूं भाई, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी में सैलरी नेगोशिएट हो रही थी, तो व्हाट दे मेंशन के जी आप कितनी सैलरी लेंगे, तो बंदा कहता है जी मैं 100,000 रियाल लूंगा, और ये मेरे सामने की बातें हो रही हैं क्योंकि आई वाज अ कंसल्टेंट फॉर दैट कंपनी, आईएमएस सिस्टम हम बना रहे थे। तो उसने बड़ा बोल्डली कहा कि आई विल टेक 100,000 रियाल, एंड द सीईओ यू नो विद अ स्माइलिंग फेस, ओके आई विल पे यू 100,000 रियाल इफ यू विल गिव मी बेनिफिट ऑफ 2 मिलियन रियाल, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट 100,000 रियाल, 100,000 रियाल, यू नो। सो इट वॉज रियली अ विन विन डील, यू नो। तो वट एवर यू डिजर्व, अगर आप चाहते हो कि आप 10 लाख सैलरी पाकिस्तान में ले सकते हो एंड यू रियली डिजर्व, देन यू कैन बी अ बेटर नेगोशिएटर, यू नो, यू कैन डिमांड इट, वैल्यू टू एड वैल्यू, एग्जैक्टली वैल्यू क्रिएट करें। वट वैल्यू यू पुट ऑन द टेबल वेन यू आर एस्किंग फॉर अ मिलियन रुपीज सैलरी, देर आर पीपल हु आर टेकिंग 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 1 करोड़, मे बी 10 मिलियन। फॉर मी इट्स नॉट, अब आप मुझे बताएं, आप आपके ये बंदा 1 करोड़ रुपया सैलरी है यार, करता की है यार, 5,000 बंदों को शायद मैनेज कर रहा है, शायद वो 5,000 बंदों को लीड कर रहा है, और लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसने 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 डिसीजन मेकिंग करनी है, उसने उस डायरेक्शन में लेके जाना है उस 5,000 फैमिलीज को जो कि विनिंग डायरेक्शन है। उसको पैसे Absolutely. उसको पैसे इस चीज के नहीं मिलते कि वो जाके हाथ से काम कर रहा है, उसको पैसे मिलते हैं कि वो क्या डिसीजन लेता है और किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो वैल्यू की बात करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि मेरा ख्याल है आई शुड नॉट टेक मोर टाइम। आप लोगों को जो टेक अवे है वो 3-4 टेक अवे के बिलीव रखें कि जो भी एक बिलीव पे, एक और चीज बताता चलो, मैं जब इंग्लैंड गया था इट वॉज बैक 2006, दोबारा जब मैं गया हूं तो 2016 था। अब मैं सोच रहा हूं, मैं तो या अल्लाह क्यों लेके जा रहा है यार मुझे, देर इज समथिंग विच यू वॉन्ट टू शो मी, देर इज समथिंग विच यू वॉन्ट टू शो मी, यही एक मुसलसल चीज लगी हुई थी। वहां जाके बारा गर्दी की, इधर फिरा उधर फिरा, दोस्तों से मिला, वापस आ गया। सोच रहा हूं कि क्या आप यकीन करें, वो 2016 का मेरा विजिट मुझे ये दिखाने के लिए था कि वो जो 2006 में तेरे लिए मैंने फैसला किया था कि तू वापस चला जा, that was the right decision. Yeah,
That was I can give you my reasons कि मैंने ये क्यों realize किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पास time नहीं है कि हम इतनी इसकी ज़्यादा detail में जाएं. So he will let you see the importance of the decision he is taking for you. ठीक है. So तीसरी जो सबसे important चीज़ है family values. Family values are one of the most important things. कि आप मेरे दो बेटे हैं माशाल्लाह एंड आई एम प्राउड ऑफ देम. ऑफ कोर्स अब इस उम्र में हर बच्चा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, दे आर पेन इन माय नेक, बट आई लव देम एंड आई एम प्राउड ऑफ देम एंड आई एम श्योर. बट लेकिन एक चीज आपको बता दूं, आप एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू, दे आर वेरी इंशाल्लाह मच बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू माशाल्लाह. मैं समझता हूं कि नहीं, अगर वो बेस्ट होंगे तो अल्लाह ताला ने बेस्ट करने हैं, बॉटम लाइन पीरियड. मैंने कुछ मैं सिर्फ उनको ये बता सकता हूँ, और अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक इतनी दी कि मैं उन्हें समझा सकूँ और वो मेरी बात समझ सकें, मैं ये बता सकता हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या एथिक्स है क्या अनएथिकल चीजें हैं, क्या नियत है. इन चीजों को सुन लो यार, अब ये तौफीक अल्लाह ने उन्हें देनी है कि वो इन चीजों को समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें. सो मेरी वालदा, मेरे भाई, मैं जरूर मेंशन करूंगा, मेरे भाई मेरी इज्जत इस तरह करते हैं कि जैसे मेरा कहा उनके लिए आखिरी वर्ड है. इसलिए नहीं, अगेन इसलिए नहीं कि मैं सबसे ज्यादा अकलमंद हूं, नहीं, वो मेरे से ज्यादा माशाल्लाह अकलमंद है, लेकिन इसलिए कि मैं उनके लिए वालिद की जगह पे खड़ा हूँ. सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास when you have this luxury, मैं कहूंगा कि अपने वालिदैन की इज्जत करना और उनकी उनकी यू नो खिदमत करना, इफ यू हैव दैट लग्जरी use it, use ये okay. ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है, वो करें. उसके बाद इब्तिहाली आई लव यू टू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू. सो गोइंग बैक टू फैमिली जो वैल्यूज हैं उस पे फोकस रखें. आज का इश्तियाक ने मुझे कहा कि प्रोफेशनल बताएं, आप बताएं बेस्ट प्रैक्टिसेस. मैं आपके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेसिक चीजें मिसिंग हैं, हमारी जिंदगी में से बेसिक चीजें मिसिंग हैं. हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे तो पहले बात कर लें. हम Absolutely. हमें झूठ बोलने से जान छुड़ानी चाहिए, हमें हक मारने से जान छुड़ानी चाहिए, हमें हक मारने से जान छुड़ानी चाहिए, हमें झूठ बोलने से जान छुड़ानी चाहिए, हमें इन सब चीजों से यार ये सोचना चाहिए कि लोग तरक्की क्यों करते हैं. ये आप कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुसलमान हो तो इसका मतलब हम मुसलमान हैं, हम ज्यादा करीब हैं अल्लाह के. यार नहीं, पहले तो इंसान है ना, उसके बाद मुसलमान है. सो जो पूरी दुनिया है जिसमें कुछ 4000 मजहब है, वो भी तो उसी की मखलूक है. आप कहते हैं यार अमेरिका ईसाई है फिर क्यों तरक्की कर रहे हैं. और भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दी जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस हैं. बेशक एथिक्स पे बात कर लें, झूठ बोलने वो बात कर लें, जस्टिस सोशल जस्टिस वो बात कर लें, जस्टिस पे वो बात कर लें. आई मीन हर जगह पे करप्शन होती है, मैं ये नहीं कहूंगा करप्शन नहीं है, हर जगह पे करप्शन है, लेकिन आपके बेसिक राइट्स आपको मिल रहे हैं. सो उन्होंने कुरान से वो चीजें ले ली है जो हमने नहीं ली. ठीक है. So, मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, I would love कि अगर आप लोगों को बेस्ट प्रैक्टिसेस पे चाहिए, मैं दोबारा आ जाऊंगा. मेरा ये मुझे ये नॉलेज शेयर करना नहीं, आपने वो इससे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो ही नहीं सकती फवाद भाई, जो माशाल्लाह आपने एक्सप्लेन कर दिए, इससे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो ही नहीं सकती. कि इसी से तो आपका ब्रांड बन जाता है, इसी से आप पूरी दुनिया में अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं अल्लाह की रहमत से. मैं टेक अवेज के बाद ये बात करूंगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ. ऑफ कोर्स मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं रिटर्न चाहता हूँ. क्यों? देखें आप सौदा करें, मैं मेरी वालदा इंशाल्लाह देख रही होंगी, मेरी उनसे ना बड़ी बहस होती है कि यार आप लोगों से सौदा क्यों करती हैं, आप अल्लाह से सौदा करें यार. ये किसी को ये एफर्ट करनी है कर दे, आप उससे रिटर्न ना मांगे, अल्लाह से मांगे. लेकिन आप लोगों से मैं रिटर्न क्या चाहता हूँ, आप मुझे पता है आप लोग मुझे क्योंकि आपके मुझे क्या रिटर्न करेंगे. आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग आज एटलीस्ट एक चीज अपनी वालदा और अपने वालिद की इज्जत को जरा और बढ़ा दें.
अगर 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 आप कहते हैं कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, एक स्टेप ऊपर ले जाएं, उनके आगे बोलना छोड़ दें, उनको सिर्फ मुस्कुरा के देख लें, उनको जाके रातों, क्या बात मैं जब मैट्रिक में था ना, मेरा मैट्रिक में था, मैं नलायक, बड़ा नलायक पांडा था, ठीक है, तो मैं कोई लायक बच्चा नहीं था। मैं पास कैसे होता था, मेरे पास ना एक बूटी होती थी, वो होते ना इम्तिहान में नकल मारने वाली बूटी, वो बूटी होती थी, बूटी क्या होती थी, मैंने रात को जब पढ़ के किताबें बंद करनी है तो मैंने जाके बूटी के पाँव दुबाना शुरू कर देने हैं अपनी माँ के, मैंने ये मेरी बूटी है। अब मैंने कहना, उन्होंने कहना सो अड़िया अड़िया सोन दे, मैंने कहा दुआ कर दो फिर सो जाना, और कहा अच्छा अल्लाह कामयाब करेगा, और उसको मैं जाके सोना सुबह पेपर देना, पास भी हो जाना। तो फवाद ये भी बूटी इसमें है मैं मेरी। अपना वाकया फवाद भी सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें मैं अपना वाकया ऐड करता चलूं। इंटर के एग्जाम थे तो इस्लामियात में ना 75 मार्क्स होते थे ना, तो मेरी एक अच्छी कह लें या बुरी कह लें एक आदत थी कि मैंने क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ना है और उस पर लिखना शुरू कर देना, देन आई गोना गो फॉर क्वेश्चन नंबर टू, उस पर लिखना। अब 2.5 सवाल सिर्फ मैं कर सका हूँ 2.5 घंटों में, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में कि अच्छा वालदैन के हकूक बताएं या साथजा के हकूक, क्वेश्चन एक है और मैंने शीटें भी भर दी। अब मैं आके मैंने कहा मैं 2.5 क्वेश्चन, ये पूरे पूरे मार्क्स भी देगा तो कैसे पास होगा। आके अम्मी जान से बात की तो अम्मी ने, ना ना मेरा पुत्र तू ना घबरा, हर चीज सिद्धि हो मम्मी के जाएगी। पाँव पकड़ लिए। हाँ एंड एंड टुडे आई एम शेयरिंग विद यू एंड इवन लाइफ कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ आई गॉट 65 मार्क्स आउट ऑफ 75। आई स्टिल डोंट यू नो कि ये यस, मिरेकुलस थिंग्स ये हैपन चीजें बिकॉज ऑफ योर मदर्स प्रेयर्स एंड ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। इन चीजों को समझने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। कोई समझ में आ गई ना तो बड़ी शक मुसीबत है हमारे लिए, इसलिए चुप करके ना नहीं इन चीजों को समझने की ये कोशिश ना अल्लाह करें, चुप करके इरसा इरसा मोहम्मद आई लव यू टू कोई बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। सो टेक अवे ये रखें कि कुछ नहीं कर सकते ना तो एक स्टेप ऊपर ले जाएं अपने वालदैन की इज्जत में, एक स्टेप ऊपर ले जाएं अपने बिलीव में, एक स्टेप ऊपर ले बेशक जाएं कि आपने आज झूठ नहीं बोलना। क्या बात लास्ट क्या बट बात नॉट द लीस्ट, मैंने इस चीज को आखिर में क्यों रखा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हर बंदा आगे कहता नमाज पढ़ो, खुद नमाज पढ़ते हो भाई? नहीं पढ़ते, तो फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो? मैं नमाजें पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं एक्सेप्ट करूंगा आप लोगों के सामने कि मैं फजर नहीं पढ़ सकता, मैं रात को लेट सोना, मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मुझे तौफीक दे के मैं फजर की नमाज पढ़ सकूँ टाइम पे। एक चीज ध्यान में रखें, आप ये प्रैक्टिस की हुई चीज है, नमाज जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि नमाज इसलिए, एक तो चीज फर्ज है, फर्ज एक है, दूसरा शुक्र करने का एक तरीका है, ठीक है, बेशक तीसरा आपकी आपकी आप यू विल सी इट कि आप यू विल स्टार्ट गेटिंग सेटल, आपकी जिंदगी में कामनेस आती जाएगी, ठीक है। बेशक सो नमाज जरूर पढ़ा करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एंड अगेन आप ये दुआ भी करें कि मैं मुझे पूरी नमाजें पढ़ने की तौफीक ना फरमाए, नंबर एक। नंबर दो, हमारी नमाजों में बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी हैं, हम उनको ठीक करने की कोशिश करें। अगेन मैंने इसको आखिर पे इसलिए रखा कि मैं मौलवी नहीं हूं, मैं कोई लेकिन बहुत बड़ा आलम नहीं हूं, लेकिन ये बेसिक चीज, इसके लिए आलम होने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने सही के लिए बात आलम होने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए आपको बहुत बड़ा मुसलमान, आप छोटी चीजों से स्टार्ट करें। सुबह उठ के दाएं, जब तैयार होने लगे दाएं पांव से जूता पहने और ये सोच के पहने सुन्नत पूरी कर रहे हैं, दाएं हाथ क्या से बात खाना खाएं ये सोच के कि सुन्नत, आप होगा क्या, होगा क्या, आपने छोटी 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 चीजें की और आपको आदत, अब आप भूल गए कि वो सुन्नत थी, लेकिन वो अब आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है, अब वो रोज बेशक सुन्नत, यू आर लिविंग दैट सुन्नत, आप अपनी जिंदगी पे तो जो कर रहे हैं अपनी आखिरत में सवारते जा रहे हैं, ठीक है। बेशक सो बेशक लोगों को धोखा ना दें, लोगों के साथ, लोगों को माफ करना, प्लीज लोगों को माफ करना सीखें, लोगों को माफ करना सीखें, अपनी ईगो को डाउन करें, अपनी मैं को खत्म करें, ठीक है। बढ़िया अपनी ये चीजें है ना, वली 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 क्या होता है, या जो एक लीडर, मैं मेरा ख्याल है वली वाली साइड पर नहीं जाना चाहिए, वो हम एक उसमें चले जाएंगे जो एक डिफरेंट डिस्कशन है, लीडर क्या होता है मुझे ये बताएं।
वैसे तो लीडर हमने जो हम प्रोफेशनली बोला लीडिंग फ्रॉम फ्रंट और रोल मॉडल और लीड बाय एग्जांपल और समवन यू नो हु क्रिएट मोर लीडर्स एक्चुअली इंस्टेड ऑफ फॉलोअर्स वेरी गुड हमने तो वेरी यही गुड, पढ़ा बुकिश डेफिनेशन यही है, बिल्कुल एक डेफिनेशन है। लेकिन एग्जैक्टली नेल्सन मंडेला जो था, जो कि बैक पे पीछे बैठे लीडरशिप करता था, उसने लीडर डेवलप किए, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। लेकिन लीडर वो है कि आज आपने मुझे इस कुर्सी पे बिठा दिया तो मैं यहां डिलीवर करूं, मुझे आप कहें कि वो असिस्टेंट की कुर्सी पे जाके बैठ जाए, मैं वहां डिलीवर करूं, क्योंकि मेरे लिए पोजीशन मैटर नहीं करनी चाहिए, मेरे लिए वैल्यू मैटर करनी चाहिए। यू शुड बी ड्रिवन बाय द वैल्यू, नॉट बाय द फाइनेंशियल और द पोजीशन। हम मैं भी एब्सोल्युटली समझता हूं कि मैं उस लेवल पे नहीं हूं आज, मैं आज उस लेवल पे नहीं हूं कि आप मुझे ये कहें कि यार फवाद आज तुम हेड ऑफ कॉर्पोरेट हो, कल तुम बाहर जाके एबीसी की जगह पे बैठोगे और ये काम करोगे। मैं उस लेवल पे नहीं हूं अभी। और हर बंद दिस एंड दिस टेक्स टाइम, दिस इश्तियाक, एंड जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये इट टेक्स टाइम। और आपकी हर रोज जंग है अपने साथ, अपने बेशक अपनी अपनी ईगो, अपने नफ्स को मारना रोज की जंग है, रोज की जंग है, एक दिन दो दिन नहीं है। एब्सोल्युटली एवरी अदर डे इज अ वॉर, एवरी अदर डे इज अ फाइट विद योर ओन सेल्फ। क्योंकि सबसे पहले हम जब आते हैं ना, आप आखिरी बात करते हैं, मैं क्लोज करने लगा, बहुत टाइम हो गया। हम जब आते हैं ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आगे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में है ये भी गलत है, ऑर्गेनाइजेशन में ये भी गलत है, ऑर्गेनाइजेशन में ये भी गलत है, ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे में ये गलत है, तुम्हारे में ये गलत है, तुम्हारे में ये गलत। कम ऑन गाइस, सबसे पहले आप ये तो देखें कि व्हाट व्हाट। मैं ये समझता हूं कि जब हम किसी और को गलत कह रहे होते हैं ना, तो हम गलत होते हैं उस वक्त, हम गलत होते हैं, बिकॉज एब्सोल्युटली वी आर अनएबल टू सी दैट वी शुड सी थ्रू। फिर देखें, अल्लाह ताला ने हमें जो बिसारत दी है वो एक लिमिट है, इसके बाद मैं अगर आगे हाथ रख लूंगा तो आई कैन नॉट सी यू। ठीक है, वी एब्सोल्युटली शुड नॉट बी जजमेंटल गाइस, वी शुड नॉट बी जजमेंटल कि तुम क्लब के आगे खड़े थे तो तुम शराबी हो। डोंट, यू हैव नॉट सीन ए बॉय। सो एब्सोल्युटली किसी मुसलमान के, किसी मोमिन के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि उसने सुनी सुनाई बात आगे कर दी। बॉटम लाइन क्या बात, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं फवाद भाई। आपने ना आपके इस वाक्य ने याद करवा दिया, हमारे ना अशरफ साहब हैं, चौधरी अशरफ साहब, शायद आप जानते हो, सेल्स ट्रेनर हैं बेसिकली। वो एक वाक्य बयान करते हैं कि एक जेल में मतलब कुछ पागल इकट्ठे होके, मतलब पागल खाना था, तो कुछ पागल इकट्ठे होके ना बोलते जा रहे थे 11 11 11 11। तो वो कहते हैं कि मैं पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि यार ये 11 11 की आवाजें, मैं बड़ा मतलब आई बिकेम अ वेरी क्यूरियस, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि मैंने जंपिंग करना शुरू कर दी, डोर को देखा, दीवार को देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो एक छोटा सा सुराख नजर आया, तो मैंने अपनी आईज को लाइक दिस यू नो आई स्टार्ट लुकिंग एट के क्या चल रहा है अंदर। तो अंदर से उसने ना पागल ने छरी मारी सीधी मेरी आंख के, और ही बिकेम ब्लाइंड एक्चुअली। और फिर वो कहना शुरू हो उन्होंने कहा गया बारह 12 12 12, एंड द लेसन व्हाट ही लर्न्ड इज कि माइंड योर ओन बिजनेस। तो ऑलवेज यू नो देखिए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम योर अच्छा, साइड आल्सो कि हमें अपने काम से काम पहले रखना सीखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं पहली है। बात, आप अपने आप को, आखिरी जो मैंने आज जैसे मैं कह रहा था बात खत्म करूँ, वो छोटी सी एक स्टोरी। एक बंदा था, वो हमारे आप जैसा ही था, ऊपर से फारिग था, और उसने कहा कि अपना जो ऊपर से फारिग होते हैं वो हर कैसी करते हैं, मैं पूरी दुनिया चेंज कर दूंगा। उसने कहा जंग था 20 साल का, उसने कहा मैं दुनिया में बड़े मसले मैं चेंज कर दूंगा। उसने जैसे इतना मैं कहता हूँ कि पत्नी बेस्ट एफर्ट लगा इंटरनेशनल दी, विल दस बी इन साल एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैं ड्रीमी हूँ कि हर कंट्री में बेस्ट जाएगी। कैसे जाएगी आई हैव नो आइडिया, वो अल्लाह करेगा, कैसे करेगा ही नोज बेस्ट। मैं टी लैड करूं, ये जहां पे जिनके होता है ना ऐसे। अभी मैं, आई विल टेक यू बैक, यू विल डू इट, यू विल डू इट, आई कैन गारंटी इंशाल्लाह यू विल डू इट। बट मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह हम देखना कैसे चाहिए हमें। तो उसने बड़ी मेहनत की, 10 साल उसने रगड़े, और 10 साल में उसने कहा लेट्स रिव्यू इट, पीडीसीए वाला काम। उसने देखा, उसने कहा मैं तो एक पत्ता भी नहीं हिला सका। पूरी दुनिया कहता भी मेरा ख्याल है ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं ना अपने मुल्क से स्टार्ट करता हूँ। 10 साल उसने रगड़ मेहनत की, 10 साल बाद रिव्यू के लिए बैठा, मुल्क में भी कुछ नहीं हुआ। अब कितने साल का हो गया, 40 साल का। अब उसको थोड़ी समझ आ गई, उसने कहा नहीं, आप 40 साल के बाद तो बंदा वैसे समझदार हो जाता है, मैं समझदार हो गया तो वो भी हो गया होगा। तो 40 साल के बाद बैठा,
कहता यार दुनिया पाकिस्तान ये जो मुल्क है ना ये बहुत बड़ा है, चल अब मुझे समझ आ गई, अब मैं अपना लाहौर को सही करता हूँ। उन्हें 2-10 साल लाहौर पर रगड़ा लगाया और 10 साल बाद रिव्यू करने बैठा, 50 साल का पैसा चला गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सका। कहता यार छठ लाहौर नू ना अपना इस्लामाबाद टाउन सीधा कर लेने हैं। बड़ी उसने मेहनत की, यानी एंड व्हाट हैपेंड इज द कंक्लूजन इज दैट कि वो 50-60 साल का हो गया और उसने कहा पूरी दुनिया पूरी जिंदगी मैंने बहुत मेहनत की है, बट आई वाज आई एम अनएबल टू ब्रिंग अबाउट द चेंज व्हिच आई वांटेड टू व्हिच आई वाज ड्रीमिंग ऑफ। उसने कहा अच्छा चार यार अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, अब मैं 70 साल का हो गया, चल उन कुछ नहीं होना, अपना मोहल्ला भी नहीं है कुछ नहीं, अपने ऊपर मेहनत कर लेता हूँ। अब आप जहां पे व्हाट आई वांट यू टू फ्लिप इज दैट फ्लिप आई वांट टू हैव दैट फ्लिप कि आप ये सड़क करते करते आज हुआ क्या। जब वो 70 साल पे पहुंचा तो उसने 70 साल पे जाके जब अपने आप पर काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि यार मोहल्ले वाले बड़ी इज्जत करना शुरू कर दिए मेरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मोहल्ले वालों के यार ये तो साथ वाले इलामा इकबाल टाउन से जो है अपना दूसरा ब्लॉक उधर से भी लोग मुझे जानना शुरू हो गए कि यार वो तो बड़ा अच्छा बंदा है, वो लोगों से बड़े प्यार से बात करता है, लोगों का बड़ा ख्याल करता है। क्वेश्चन, लर्निंग क्या है यहाँ पे कि उसने 70 साल लगा दिए ये सीखने में, हमारे लिए क्या लेसन है, वी हैव टू जस्ट फ्लिप इट। आज हम देखें हम अपने में क्या चेंज कर सकते हैं, हम कितना हम्बल एब्सोल्युटली हो सकते हैं, हम कितना प्यार कर सकते। देखिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो अल्लाह ताला ने आप सब में डाली, वो है फीलिंग फीलिंग प्यार की, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, वालदेन के साथ, जो भी आपकी जिंदगी में उसका प्यार से बात करें यार, उसके साथ उसको उसको बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है वो, आप कितने इंपॉर्टेंट है, डज नॉट एब्सोल्युटली मैटर टू नो वन। ये फवाद जब भाई आप आपने लोगों को नेचर ये की बताएंगे बात लोग कर दी आपको है, बता देंगे। ये इंसानी फितरत की भी आपने बात कर दी है कि एवरीबडी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड, माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये डोज बढ़ा के देखें सो एवरीवन कैन बी चेंज, अगर किसी को बदलना भी चाहते हैं आई अदरवाइज तो खुद को ही मैनेज कर लें बड़ी बात टोटली है। एग्री। सो एग्जैक्टली, सो फर्स्ट थिंग इज जब आप अपने आप कहते हैं आप एक ह्यूमन साइकी, आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, चाहते हैं आप, लोग कैसे पसंद करेंगे जब आप उनको पसंद नहीं करते। Absolutely. ठीक Because है, it's all सो about input. लोगों को आपने बताएं input कि वो देना। कित एग्जैक्टली, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो भी डालेंगे वही बाहर आना है ना। आप कहें कि मैं गार्बेज डालूं और मैं सोने की ईंटें निकालूं तो पॉसिबल नहीं है यार। नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं, सही कह रहे सो हैं। लोगों को अगर इफ यू वांट टू बी लव्ड, लव पीपल, इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट पीपल, इफ यू वांट टू बी यू वांट टू दैट आई एम अ गुड पर्सन, लेट पीपल फील दैट दे आर गुड पीपल। सो यकीन मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम, 1.25 घंटा हो गया, हमारा 1.25 घंटे का सेशन था, करें सब बड़ा तो एंजॉय कर रहे हैं, दे आर लर्निंग अलॉट माशाल्लाह, बड़ी हैंडसम और जबरदस्त एनलाइटनमेंट माशाल्लाह आज मिली है सब जहनों को, क्योंकि हम समटाइम वाकई फवाद भाई जो बेस वैल्यूज हैं उनको हम कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं, और शायद के यही स्ट्रांग मैसेज है हमारे पाकिस्तान के लिए कि थिंक ग्लोबल लेकिन ऑनेस्टी के साथ, एथिकल अप्रोच और ग्राउंड्स के साथ पूरी दुनिया को विन करें, क्योंकि ट्रस्ट वंस ब्रोकन इज ब्रोकन फॉर एवर, ये हमें आज समझ लें अदरवाइज जिंदगी समझा देगी कि किसी का भी जो ट्रस्ट है चाहे वो आपका कस्टमर है चाहे आपका रिलेटिव है, डोंट ब्रेक इट एक्चुअली। साबिर साहब को जानते हैं ना, साबिर साहब को जी आई एम श्योर आप जानते जी जी होंगे, जी बड़े सोशल बंदे हैं यहाँ के। जी रात को मैं हाँ चाय पे जी मिला तो वो ये बात कर रहे थे, कहते मैं तमीमी गया तो वहां पे लिखा होता कि इट टेक्स एजेस टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी एंड इट टेक्स अ मिनट टू लूज इट। Absolutely. Absolutely. सो और दूसरी बात, आखिरी बात यार, आखिरी बातें मेरी बड़ी हैं, लेकिन आप बहुत महंगे हैं, आप बहुत एक्सपेंसिव हैं, अपनी कीमत तो कम ना लगाइएगा, बस आप सस्ते में बिक गए Absolutely. तो कोई फायदा नहीं, सस्ते में बिक गए तो कोई फायदा, इतने में बिके कि आप यू यू शुड योर सेल्फ बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट भाई मैं 500 करोड़ में बिका हूं, 500 रुपए में नहीं बिका हूं। ठीक है, अपनी आप एवरी पर्सन इज यूनिक, आप बहुत महंगे हैं, आप बहुत महंगे हैं, अपनी वैल्यू रियलाइज करें, अपनी वैल्यू रियलाइज करें, अंडरस्टैंड करें कि क्या आप 500 रुपए, क्या 500, मैं यूनिवर्सिटी में था तो
जा रहा हूँ तो मेरी एक कुलीग बैठी हुई थी, मैं ये अच्छा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर माय फीमेल कुलीग्स एंड द फीमेल सोसाइटी, मैं समझता हूँ, मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इससे और क्या मिलेगा। मैंने कहा अक्सा मुझे 5,000 रुपये चाहिए। कहती ले ले, कल ला दूंगी। मैं कहा मैं वापस नहीं करूंगा। कहती आज पड़ी। अच्छा मैं कहा दांत क्यों निकाल रही है? कहती है 5,000 रुपये में मुझे ये पता चल जाए कि फवाद बंदा कैसा है तो सौदा महंगा नहीं है। सोचने की बात है, सोचने की बात है। क्या आपकी वैल्यू 5,000 रुपये है? क्या 5,000 रुपये की हेरा फेरी करें? क्या आपकी वैल्यू 1 लाख रुपए है? क्या आप 1 लाख रुपए की हेरा फेरी करें? आप हेरा फेरी करते हुए भी अपने ऊपर यू शुड बी प्राउड ऑफ यू यार, यू शुड बी प्राउड, लाख रुपए की हेरा फेरी पे आप प्राउड करेंगे? मैं कहता हूँ चलो अव्वल तो मैं ये कहता हूँ कि आप यू शुड बी वेरी एथिकल, लेकिन अगर आपका आप कहते हैं मैंने हेरा फेरी करनी है, मैंने बिकना ही है, तो भाई उतने में बिके जो आपको खुद को प्राउड हो कि मैं महंगा बिकाऊं। तो एक जनरल के पास जैसे ये वो ना, सीमोट मैं बनता था। पॉलिटिकल फवाद भाई, पॉलिटिकल बात नहीं मैं करना चाह रहा था, लेकिन एक दोस्त हैं, उन्होंने वाक्या शेयर किया कि वो जरदारी साहब के पास चले गए, उस टाइम पीपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ना ये कुछ लाइसेंस लेना थे, फ्लोर मिल और राइस मिल टाइप ना, तो वो कह रहा था कि यार 80 लाख रुपया हमसे मांगा गया सिर्फ सिग्नेचर का, तो एक सिग्नेचर की कीमत मतलब 80 लाख जो है, 8 मिलियन हमसे मांगा गया। सो आई शॉक यू नो, तो उसने कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है, हमें कोई अच्छा लाइसेंस नहीं चाहिए। एग्जैक्टली उन्होंने exactly. कैनेडियन अब मैं आपको बता इमिग्रेशन दूं, लेके कैनेडा में इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक किसी मुझे नाम नहीं याद, एक जर्नल ने बुक लिखी थी जब ये सीपैक हो रहा था, तो इसमें कुछ था, मुझे पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन मैंने उसमें आपको जुबदा बताने लगा। कहता कि मेरे पास चाइना की कंपनी आई, उन्होंने मुझे कहा कि ये इतने करोड़ हम तुम्हें, इतने मिलियन डॉलर हम तुम्हें दे देंगे, तुमने ये प्रोजेक्ट अप्रूव करना है। दौड़ जाओ दौड़ जाओ, मैं इस तरह काम नहीं करता। कहता साल गुजरा, वो फिर आए और उन्होंने जो भी ऑफर की थी ना उसको डबल कर दिया। कहता मैंने फिर दौड़ा दिया उनको, मैं दौड़ जाओ, मैं ऐसे 2 नंबर काम ही करता। कहता तीसरी दफा आए तो उन्होंने ऑफर को 3 गुना कर दिया। कहता मैंने उसी वक्त वो प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया, मैं कहा इस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं हो, नहीं कहता मैंने इस प्रोजेक्ट पे कहा इस प्रोजेक्ट पे तो काम ही नहीं होगा। कहता इसलिए नहीं कि मैं बड़ा एथिकल था, इसलिए दैट दे आर कमिंग वेरी क्लोज टू माय प्राइस, they are coming very close to my price and मैं बिकना नहीं चाहता था। So every person have a price. Now it's up to you कि आप कितना महंगा बेचना चाहते हैं, क्या बोली लगवानी है, ये आप पे है। So मेरा और ख्याल है डिपेंड मैं करते हैं, बहुत यदि मान शुक्रगुजार हूँ के कि आप रास्ते लोगों ने पे मुझे सुना है। बोली। जी, थैंक यू वेरी मच फवाद भाई, पाकिस्तान की तरफ से पूरी कम्युनिटी ग्लोबली जो भी हमें सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बाद में सुनेंगे, उन सब की तरफ से हार्टली थैंक्स टू यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, बिकॉज आपका एक एक सेकेंड इतना इंपॉर्टेंट है। आई कैन अंडरस्टैंड, आपसे मीटिंग करने के नहीं लिए आई मैंने नो नहीं कि किस तरह हम प्लान करके किस तरह नहीं टाइम सारा मैं ऐसे कह रहे होते हैं। आई एग्जैक्टली एम वेरी मच ग्रेटफुल टू लेकिन यू माशाल्लाह। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द बिजी स्केड्यूल और वट एवर, एक चीज मैं आपको बता दूं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल व्हेन इट कम्स टू एडिंग बैक टू द सोसाइटी, शेयरिंग द नॉलेज। और मैं ये थैंक यू समझता वेरी हूँ मच, थैंक अगर ये एक बंदा, 50 बंदे, 200 बंदे, जितने भी इसको देख रहे हैं, अगर इफ आई एम एबल टू चेंज वन पर्सन, दैट इज द अचीवमेंट। ठीक है, यू, सो एब्सोल्युटली, मैं व्हेन एवर कम्स टू नॉलेज शेयरिंग आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप लोगों को थैंक यू वेरी मैं फेसबुक पे नहीं होता, मैं फेसबुक पे बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आप लोग अगर ये मच। समझेंगे वहां पे कमेंट करेंगे तो फॉरगेट इट। कभी भी इश्तियाक, एंड एक चीज आपको बताता चलूं, लोगों को ये इश्तियाक, आज बैठा मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं है कि इश्तियाक की जिंदगी का, मेरा ख्याल है कि मैं वसीम को कहूंगा कि अगला इंटरव्यू इश्तियाक का करे। So I want them to tell you, I want you to tell them के एप्को में कैसे एंटर हुआ, फिर क्या वहां पे क्या डेवलपमेंट हुई, एंड वेयर डिड यू स्टैंड। मैं जिन लोगों को नहीं पता, इस लड़के ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इस लड़के को लगातार अपॉर्चुनिटी दी थी कि इसने अमेरिका में जाके मैकडोनल्ड्स को ट्रेनिंग करवाई थी। सही कह रहा हूँ जी मैं इश्तियाक? तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल है कि फवाद अगला इंटरव्यू भाई, उसका ले, ये मेरे से बड़ा गुरु है। इवन मिडिल ईस्ट सप्लायर्स का सारा नेटवर्क दुबई में भी इकट्ठा हुआ था, और लकीली वो काफी ऐसी चीजें हुई हैं जिंदगी में फवाद भाई, लेकिन अल्लाह की अरे तरफ से ही थैंक होता यू है, थैंक यू वी आर थैंक यू। नथिंग। ओके जी, बेस्ट इंटरनेशनल के नाजरीन को सो आखिरी थैंक यू वेरी मच। मैसेज एक ही है कि अपना ट्रस्ट कायम रखें, अपनी गुडविल को खराब ना होने दें, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, अपनी जो ब्रांड वैल्यू, अपनी जो गुडविल है उसको कभी डैमेज ना होने दें। बाकी अल्लाह ने आपसे काम लेने ही लेने हैं।
और अगर डिपेंड करता है कि आप शैतानी कामों में इंटरेस्ट रखते हैं या रहमानी कामों में, वो इट्स ऑल योर चॉइस एक्चुअली। तो इस मैसेज के साथ बात और ये है आखिरी वर्ड्स कि ऑफ वाट भी अगर आप शेयर करना चाहें प्लीज, लास्ट फ्यू नहीं, वर्ड्स। मैं कह रहा था, बात ये है कि हाँ, बात ये है कि आप ब्रांड हैं, आप इटसेल्फ ब्रांड हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी वैल्यू, आप बिकना चाहते हैं एज अ, वो क्या नाम है पाकिस्तान में, वो जो कपड़ों का ब्रांड है बड़ा मशहूर, जुनैद जमशेद, फर्ज करें जुनैद जमशेद। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, यू वॉन्ट टू सेल योर सेल्फ एज जुनैद जमशेद या यू वॉन्ट टू सेल योर सेल्फ एज कैरोलिना हरीरा, क्या आप पे डिपेंड करता है। कैरोलिना हरीरा की एक बेल्ट लेने जाते हैं ना, तो पाकिस्तान में हम, मैंने कभी ली, 1000 रियाल की यहाँ पे बेल्ट है, ठीक है, पाकिस्तान में वो आपको 40,000 रुपए की मिलेगी, वही बेटा को 400 रुपए की भी मिलती है। सो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस, क्या ब्रांड रिकॉग्नाइज कर, एज एज यू विच ब्रांड यू आर, और उसको क्या रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। फवाद भाई, इसकी मैं एग्जांपल देता चलूं कि कम से कम 500 से ज्यादा ब्रांड्स हैं ग्लोबल जो पाकिस्तान में रुपीज में चीजें तैयार करवाते हैं और हमें भी डॉलर्स में बेच रहे होते हैं। पूरी दुनिया यार में तो वो बेच रहे हैं, दिस गाय लेकिन हमें भी वो इनको, इसको पता है कि क्या डॉलर्स होता है, इसको पता है कि में यहाँ पे क्या होता है। आप वो, फिर वो बात है, आप वो एक 500 रुपए की जीन्स बनना चाहते हैं या आप एक लाख रुपए की जीन्स बनना चाहते हैं। आप अरमानी की जीन्स बनना एब्सोल्युटली। चाहते हैं जो कि हम आज भी सोचते हैं यार अरमानी की जीन्स लेनी है 1000 रियाल की, 11,000 रियाल, 40,000 रुपए, ठीक है, या हम पाकिस्तान जाके 400 रुपए की जीन्स भी पहन लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वट ब्रांड यू आर, अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें और उस पे इन्वेस्ट करें, उसको लोगों, लेट देम फील दैट यू आर अ ब्रांड, अपनी एयर क्रिएट करें एज अ ब्रांड, अपनी एयर क्रिएट करें एज अ ह्यूमन बींग। और प्लीज सबसे पहले जो आप हैं वो आप इंसान हैं, उसके बाद आप कोई मुसलमान है या आप कोई इंडियन है या पाकिस्तानी है। एब्सोल्युटली सो पहले, सबसे पहले इंसान बने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना, इंसान बना, तो पहले इंसान बने, तो पहले इंसान बने उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो बेसिक चीजों को फॉलो एब्सोल्युटली करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैं बहुत सारी चीजें गलत करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक दो चीजें दिन में सही कर लूं। एक आखिरी चीज, उसके बाद मैं खड़ा होने लगा, जब अगर आप रात को सोने लगे हैं, ठीक है, जब आप सोने लगे हैं, बिस्तर पे गए हैं और आपको सुकून की नींद आई है ये सोच के कि आपने आज किसी के साथ ज्यादती नहीं की, यू मेड योर डे, बस, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच अगेन फवाद भाई, यू आर सच ए ठीक वंडरफुल पर्सनैलिटी, और आज आपको जानने का मुझे भी ज्यादा मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एंड द बहुत ग्लोबल शुक्रिया कम्युनिटी यार, हु आर वाचिंग गाइस। आप लोगों ने 1.5 घंटा मुझे सुना है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, बर्दाश्त एंड किया इट्स द अगर आपने लॉन्गेस्ट समझाया तो, शो बहुत ऑफ शुक्रिया, मुझे बेस्ट शांत आया। इंटरनेशनल, इट्स द हाँ लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग शो और लर्निंग शो ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह, चल, एंड क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह गोज टू यू अल्हम्दुलिल्लाह फॉर वे फॉर योर थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह वाइब्स माशाल्लाह। और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी, सबके वालदेन का साया उन पे सलामत रखे, और जिनके हयात नहीं है आमीन आमीन अल्लाह उनको आमीन जन्नत में अल्लाह आमीन मुकाम दे, इस आमीन पैगाम के साथ आमीन कि अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच फवाद भाई, हमेशा अल्लाह आपको सलामत रखे, कायम रहें, दायम रहें, अल्लाह थैंक यू वेरी मच, एंड आमीन यू आर अ आमीन प्राइड ऑफ बहुत पाकिस्तान शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।